अगर कोई सचमुच से आकर कथा में कथा जोर से बोलो श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए कहते अगर भागवत की महिमा को समझना तो चार दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। पहला नंबर है ये कथा कौन सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े पापी क्या ये कथा सुन सकते हैं, बोले भैया तुम धुंधुकार जैसे करोड़ा पापी नहीं होगे। और इतना बड़े पापी को अगर भागवत भगवान की प्रेम प्रदान करता है फिर तुम्हें कहने का बात किया है। अगर कोई बोले हम क्या कम जानता हूँ, अरे कितने सुने सुनाई बात को सुनेंगे, हम सब वेद पुराण उपनिषद हम पढ़ रखे हैं इसलिए हमें कोई कथा सुनने का जरूरत नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया तुम श्री सुखदेव गोस्वामी मेरी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। ये सुखदेव गोस्वामी मैया के पेट में 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे लेकिन निकले तो उसी समय में ही ब्रह्म ज्ञानी होकर चले गए। परम ब्रह्म ज्ञानी थे सुखदेव गोस्वामी। लेकिन ऐसे परम ब्रह्म ज्ञानी भी लेकिन जब भागवत का केवल एक श्लोक कान में पड़ा पागल हो गए। उन्होंने सारे ब्रह्म ज्ञान ध्यान को फेंक करके इन्होंने पूरी के पूरी ये भागवत कथा को सुने। इसका मतलब है ये कथा ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, पापी से पापी क्यों नहीं हो, ये कथा सब सुन सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास एक अच्छी बात कहते हैं, बोले कृष्ण कथा जय सोना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सोना ता अघाई, राम कथा जय सोना ता अघाई, राम कथा जय सोना बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दो। बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर इधर दो कान पूरा शरीर में कान ही कान अच्छी थोड़ी लगेगी। बोले तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो। बोले प्रभु कान तो दो ही रहे, कान तो दो ही रहे लेकिन ये दोनों कानों में इतने शक्ति दे दो जैसे 10,000 कानों में कथा सुनने का जितने शक्ति, हमें दो कान में उतना शक्ति दे दो नहीं तो दूसरा कान बताए जैसे यहाँ कथा हो रही है। भैया और भी तो कहीं कथा होती होगी ना, कथा तो पृथ्वी में कितने सारे जगह पर हो रही है। बोले प्रभु इतने कान तो 10,000 कहीं की कथा चुक नहीं जाए, जहां जहां कथा हो रही ना मैं उतना उतना रूप को लेकर के सब जगह में जाऊं और सब जगह में बैठ कर कथा सुन। इसलिए अब हनुमान जी को देखो कहीं प्रभु की राम की कथा होती है ना सबसे पहले श्री राम हनुमान का तस्वीर लगा है। बोले क्यों, बोले हनुमान जी कौन है, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी श्री हनुमान जी। लेकिन जब कथा सुनते हैं ना जानते हो कथा कैसे सुननी चाहिए, अज्ञानी बनकर के, ज्ञानी बनकर के नहीं। अरे हम सब कुछ जानता हूँ क्या हम कथा सुनेंगे, कहते नहीं अज्ञानी बनकर मूर्ख बनकर कथा सुननी चाहिए। हनुमान जी जब कथा सुनते हैं हाथ जोड़ करके बैठते हैं,
आंखों से आंसुओं को बहाते हुए और उनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं और प्रेम में गदगद होकर के प्रभु राम की हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले तुंडे तांडव विजित विद होते तुंडा बलि लब्धै करना क्रणो कड़विनि घटते करना बुधे स्वप्रिया। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी को वो निंदा करते हैं, बोले ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने कृष्ण नाम में इतने मीठा, कृष्ण कथा में इतने मीठा, और उसको सुनने के लिए दो ही कान क्यों दे दिए। वो कहते भाई हमें करोड़ों करोड़ कान क्यों नहीं दे दिया कथा सुनने के लिए, कृष्ण नाम में कितने मधुर है और उसको बोलने के लिए एक ही जीवा दे दिए। बोलिए अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिए। बोले अगर हमें ब्रह्मा बनाते ना हम सिखा देते कृष्ण कथा सुनने के लिए कितने कान और कितने आंख देनी चाहिए। और गोपियां भी कहेंगे त्रुटि जुगायते त्वां वपसताम, कृष्ण को दर्शन करते समय आंखों की पलक जब झपती है ना पता नहीं चलता कितने जल्दी झपती है, लेकिन उतना समय जब कृष्ण को दर्शन करती है पलक झपते ही तत्मानो करोड़ों जुग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बने। इसका मतलब है भगवान की कथा जितने सुनो ना उतना ही मधुर उतना ही मीठा उतना ही अच्छी लगती है। देखो अगर हमें एक टाइम रोटी नहीं मिले ना आए रोटी दिन भर रोटी की मुंह नहीं देगी, बोलते ना अगर रोटी पूरी पेट अगर नहीं मिले बोले दिन भर रोटी का मुंह नहीं देगा। अगर रोटी में तुम्हें इतना आनंद आती है तो भगवान का आनंद नहीं। इसलिए वेद जिसको कहता है रस वैस रसम छवया लब्ध्वानंद भवती, भगवान तो पूरा मिठाई मिठाई रसगुल्ला है, जिधर खाओ ना मिठाई जिधर खाओ मिठाई भगवान मिठाई मिठाई। ब्रजी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री हरि जय जय श्री हरि। इसलिए कल हम लोग ने जो कथा सुनी थी यदि पद्म पुराण की महिमा सुने थे, आज हम लोग थोड़ी सी स्कंद पुराण में क्या बताया सुने। ठीक है जब कृष्ण जी संसार छोड़कर चले गए माता कुंती को जब पता चला बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये जीवन धारण करके क्या लाभ, कुंती मैया भी शरीर छोड़ दी। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे हम क्यों रहे, उन्होंने भी दुनिया को त्याग दी। शिक्षा देते हैं अगर जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं हो पा रही ना कृष्ण भजन नहीं हो पा रहा है ये जीवन रखना नहीं रखना बराबर है। इसलिए हमारे संप्रदाय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं के न अच्छे प्राण किसु को लागिया नरोत्तम दास कर नागल मरिया। वो संत कहते हैं अगर ये जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं हो पाई भगवान की भजन नहीं हो पाए बोले मर जाना सही, यदि जीवन रख कर कोई लाभ नहीं, खाना पीना सोना भैया जानवर करते खाते पीते वो भी बच्चे जन्म देते हैं कौन जानवर नहीं करता, लेकिन भगवान की जो भजन भक्ति है ये मानव शरीर के सिवाय और किसी जीवन में प्रभु का नाम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए पांडव और कुंती ने शरीर त्याग दिए, जब त्याग दिए उन्होंने वृंदावन का राजा बज्रनाभ को बनाया। बज्रनाभ को नहीं कृष्ण का पौत्र है उनके बेटे की बेटे की बेटे की बेटा ही बज्रनाभ, और हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बनाए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज वृंदावन में बज्रनाभ से मिलने आए, बोले बेटा तुम कैसे हो, बोले सब तो ठीक ठाक है लेकिन मन बड़ा उदास है। बोले क्यों, बोले वृंदावन में गई है वृंदावन खाली खाली क्यों, भगवान जब आते हैं धाम को लेकर के आते हैं अब जब जाते हैं ना पूरा के पूरा धाम को लेकर के प्रभु चले जाते हैं। जब कृष्ण गए सारे ब्रज को लेकर गए और भगवान जिस समय आते हैं उसी समय कितना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई डाल डाल और पत्ते पत्ते श्री राधे राधे हुए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन में जितने गुल्म लता कीड़े मकोड़े ये सब के सब कृष्ण के भक्त हैं, सब के सब कृष्ण भक्त हैं। वहां के सांप बिच्छू भी कोई साधारण नहीं, वो कृष्ण सेवा के लिए सबके सब आते हैं।
हैं। इसलिए जब भगवान गए पूरा पूरा लेकर चले गए, बोले ब्रज में कोई है ही नहीं, इसलिए राजा को तभी शोभा पाता है जब प्रजाएं हो, कोई है नहीं वृंदावन। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं नहीं गए। कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाता, एक कदम भी बाहर नहीं जाता। लेकिन ये पता किसको? श्री परीक्षित महाराज को। उन्होंने सांडिल्य को बुलाया। सांडिल्य आपको पता है कौन? कहते श्री नंद बाबा की कुल गुरु थे। सांडिल्य त्रिकाल दृष्टा परम संत है। उनको बुलाया, बोला आप थोड़ी सी वृंदावन की कथा उनको सुना। सांडिल्य ने कहा देखो भगवान की लीला दो तरह की। कितने तरह के? तुम ध्यान देकर सुनो, दो तरह की। एक है व्यवहार की और एक वास्तव। व्यवहार की मतलब होता है जैसे कृष्ण आए और चले गए, लेकिन जो वास्तव होता है जो सही सही है, बोले कृष्ण कहीं भी नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है, लेकिन हमें दिखती नहीं। क्यों? कारण है हमारे आंखों में काम क्रोध लोभ मोह की आंचन लगा हुआ, इसलिए हमें माया की पर्दा में हम अंदर में हम हैं। इसलिए वृंदावन धाम चिन्मय अप्राकृत और दिव्य से वृंदावन धाम कहते। उनको दर्शन कैसे होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्तम् जम श्याम सुंदरं मचित्त गुण स्वरूपं गोविंदं मादि पुरुषं तमहंग भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं जब हम अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाए, प्रेम रूपी काजल को लगाओ, फिर तो देखोगे वृंदावन में कृष्ण 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 कृष्ण। वृंदावन में कृष्ण को छोड़कर कहीं है ही नहीं, सब कृष्ण 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 तुमको दिखेगा, कृष्ण कहीं नहीं गए। देखो आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। बल एक समय कोई संत कथा कर रहे थे और एक चोर कैसे आकर के ना बोले भैया जाकर देखता हूँ सत्संग में किया बाबा कथा क्या सुनाते। वो जो संत कथा सुना रहे थे कृष्ण की कथा सुना रहे थे। कृष्ण जब सखाओं को साथ में गैया चराने जाते, उम्र कितना 5-6 साल में, ज्यादा उम्र नहीं। मैया जसोदा तो चरण सर से लेकर के चरण तक धीरे जवरात असर क्रिया से पूरा कृष्ण को बलराम का श्रृंगार करते हैं और कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए जाते हैं। चोर तो सुनकर कान खड़ा हो गया, बोले क्या 5 से 6 साल के बच्चे को मैया सर से लेकर चरण तक धीरे जवरात से श्रृंगार करती है? बोले भैया आज तक ये साधु को पूछूंगा ये कहाँ रहता है ये कृष्ण बलराम, मारूंगा थप्पड़, मार करके सब छीन लूंगा 5-6 साल का बच्चा। लेकिन वो तो कथा सुना रहे थे, कृष्ण का समय की कथा सुना रहे थे। वो तो चोर सुनकर बोलिया भैया सत्संग में तो बड़ा लाभ है, अच्छा हो गया सत्संग में आज कथा सुन लिया, फिर तो साधु को पूछूंगा वो कहाँ रहता है। वो साधु जब जाता है जंगल पार होकर भी जाता है, वो जंगल में छुप गया बैठ गया। जब वो साधु जा रहे थे पकड़ लिए, बोले बाबा ये बताओ आप सुना रहे थे कृष्ण बलराम 5-6 साल के दो बच्चे जब गैया चराने जाते हैं मैया जसोदा सर से लेकर चरण तक गिरी जवरात उसे श्रृंगार करती है? बोले हाँ। बोले थोड़ी सी बताओ कि पता कहाँ पर है? देखो तेरे को भी हिस्सा मिलेगा, चिंता नहीं हिस्सा मिलेगा तेरे को, लेकिन बता दे कहाँ पर। वो तो टाकू को देखकर कहाँ बोला, बोले भैया हम तो द्वापर युग की कथा सुना रहे थे, कृष्ण सखाओं के साथ में गैया चराने जाते हैं, लेकिन ये उल्टा समझ गया। हमने कहा बोले देख एक नंद गांव है और वहां पर गिट्टे कदम नाम का स्थान है, कृष्ण वहीं पर कृष्ण जाते हैं गैया चराने के लिए। तो ठीक है, अभी उसने उन्होंने वर्णना किया था कृष्ण कितने सुंदर हैं, कैसे मीठी मीठी प्रभु बंसरी बजाते हैं, कैसे पीताम्बर पहनते हैं, सर पर कैसे मोर पंख है, गले में कैसे त्रिवली पड़ी हुई, और कृष्ण त्रिभंग ललित रूप है, और कितना नंद जी के लाला अलबेला मेरी मटकी में मार के और ठेला, वो बड़े अलबेला रूप है, बड़े प्यारे रूप है। अभी उसको हृदय में प्रभु बैठी है, अभी दिन भर वही बंसरी बजाता है,
पीताम्बर पहना हुआ मोर पंख बड़े सुंदर है। अभी उन्होंने इसको स्मरण करते 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 उसने नंदगांव में पहुंच गया और तेरे कदम पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि वापस कब आते हैं, बल एकदम गोधूली लग्न में एकदम शाम को ये वापस आते हैं। अभी कृष्ण चिंतन करते करते करते, देखो भगवान की चिंतन करना अपने आप हृदय तुम्हारे निर्मल हो जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते चेत दर्पण मार्जनम, कृष्ण के नाम रूप गुण से चित्तरूपी जो दर्पण है वो अपने आप साफ हो जाती है। अभी जो व्यक्ति कृष्ण की चिंता में करेगा कब आएंगे शाम होने वाले, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखते हैं, कभी नीचे उतरते हैं आया कि नहीं, ऐसे करते 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 करते, करते ना जितने शाम हो रहा था उतना उत्कंठा हृदय में, उतना उत्कंठा आ रहा था हृदय में। अभी जब सचमुच से धीरे 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 कृष्ण चिंतन करते करते उसका हृदय साफ हो गया, करते करते सचमुच से देखा जब शाम होने लगा एकदम धूल उड़ने लगा, क्यों नवलख गया है नल लाख गया चराने के लिए कृष्ण जाते हैं, सचमुच से देखा बड़ा धूल उड़ रहा है। भैया कहते भैया साहब तो सही बता रहा था वो आ रहे हैं। देखा सचमुच से थोड़ी देर बाद में उसको प्रभु की लीला दिखने लग गई, हजार हजार लाख लाख गैया श्याम रंग की पीली रंग की नीली रंग की गैया आ रही है। और देखा सचमुच से उसको पीछे ग्वाल बाल हजार हजार ग्वाल बाल, बोले भैया ये दो बालक कहाँ कृष्ण बलराम कहाँ, देखे ये दोनों सबसे पीछे है। बोले भैया बढ़िया मौका है तो सबसे पीछे है। इतने में उन्होंने जब उन्होंने कृष्ण की दर्शन मिली और उन्होंने कृष्ण को स्पर्श किया, उन्होंने स्पर्श करते ही उसका चित्तवृत्ति बदल गया। क्योंकि भगवान की अगर कोई स्मरण करे भगवत दर्शन दे हृदय में चोरी करने का थोड़ी भावना हो रहेगी, भगवान को दर्शन करते हृदय उसकी निर्मल हो गया, वो चोरी क्या करेगा हैं। वो तो आ रहा था प्रभु के सारे अलंकार को लेने के लिए, फिर तो प्रभु के चरण में गिर पड़ गए, प्रभु मैं तो सोच रहा था आपको शरीर के अलंकार चोरी करूंगा लेकिन तुम्हें दर्शन करते हृदय मेरी बदल गई। भगवान का देख बेटा लेकिन तुम आया था किसी लिए अलंकार लेने के लिए ना, कोई चिंता नहीं मैं तुम्हें अलंकार देता। बोले प्रभु नहीं आपका अलंकार उतारेगा तो बुरा लगेगा बुरे लगेंगे। बोले नहीं तुमने आया था इसलिए भगवान उसको दिए। लेकिन वो जब आए साधु को बोल कर गया था, बोले तेरे को भी हिस्सा मिलेगा, फिर उसी जंगल में छुप करके बेटा बाबा आएगा तो उनको भी हिस्सा देगी। जब वो बाबा आए ना वो चोर प्रकट हो गया, वो तो कांप उठे, बोले क्यों कृष्ण तो द्वापर युग में उन्होंने गया चला देते ना, ये तो कलयुग है, मैं तो बोल दिया नंदगांव में मिलेगा थोड़ी इसको मिले अभी, वो तो कृष्ण द्वापर युग में लीला किया, वो तो कांप उठा भैया पिटाई अभी होगी वो गया होगा मिले नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोले बाबा को चरण में गिर पड़े, बोले आप जो बताया था ना बाबा सही बताया था, देखो कितने कृष्ण सुंदर है मैंने ये सब अलंकार के लिए पिटा, वो तो अक्के बक्के चक्के हो गए उनके चरण में गिर पड़े। बोले भैया गुरु तो गुड़ बन गया चला चीनी बन गया हाँ, और मैंने कृष्ण की मैंने कथा सुनाई लेकिन तुम्हें प्रभु की दर्शन दी। इसलिए यहाँ पर श्री सांकेत ऋषि कहते हैं देखो कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है। आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन गए हाथ उठा, सबके सब गए हो। देखना वृंदावन में दो बहन है, एक निधु बहन और एक है निकुंज बहन, दो बहन है। आप देखना आप वहां पर कितने बंदर है, देखना शाम होते ही एक बंदर भी वहां पर नहीं रहते हैं, वो बंदर अपने आप बच्चों को जिसके बच्चे है ना अपना गोद में रख लो बच्चों को, एक बच्चों को बच्चों को देखेंगे इसलिए अपना बच्चे को पास में रख लो। बस वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए देखना ये दो बन में शाम होते ही उसमें जो बंदर है ना ये बंदर सबके सब बाहर निकल जाते हैं और वहां पर ठाकुर के लिए फूल की सज्जा लगाते हैं, दांतन रख लेते हैं, लोटे में पानी लड्डू रख लेते हैं। लेकिन आप सवेरे जा करके देखोगे और ऐसे लगता है जैसे रात को कोई आकर के पुष्प की सज्जा पर लेट कर गए, कोई पानी में लोटे को पानी पी कर गए हैं,
अगर कोई चोर जबरदस्ती वहां पर रुक जाए ना, वो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो मर जाते हैं। इसलिए मैंने दो घटना देखी उसको पास में अपना मंदिर गुरु जी की। मैंने देखा था एक माता जी को गुंगा बनते हुए और मरते हुए मैंने देखा, अपना आंखों से देखा है। क्योंकि जब भगवत दर्शन करता है ना, वो बोलने का लायक नहीं रह जाती, नहीं तो दर्शन करके शरीर छोड़ देते हैं। अगर जिनको विश्वास नहीं होता है ना, भगवान भगवान किसने देखा, उनको एक रात के लिए वहां भेज दो, पता चल जाएगा नहीं भगवान है क्या नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं, देखो बज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं है। अभी भी अगर कोई सच सच भजन करे, जैसे श्री हमारी संप्रदाय में श्री श्यामानंद प्रभु को राधा रानी की चरण के मुकुर में अपना हाथों से राधा जी की चरण में उनकी धारणा करवाया है, सनातन गोस्वामी को साथ में साक्षात मदन मोहन बात करते थे, उनको गिरिराज शिला उन्होंने प्रदान की। बोले इसको अगर तुम चार बार परिक्रमा करोगे ना, गिरिराज परिक्रमा की तुम्हें फल प्राप्ति होगी। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज में जो सबसे पहले छह गोस्वामियों से पहले आए, इन्होंने संगम कुंड से किशोरी कुंड से साक्षात राधा विनोद जी प्रकट हुई। जब डुबकी लगाए ठाकुर जी अपने आप आए, ठाकुर जी बोल पड़े, बोले बाबा बड़े दिनों से पानी में पड़ा हुआ था, भूख लग रहा है, थोड़ा खाने का व्यवस्था कर दो। उन्होंने रोटी सब्जी बना करके दी, बोले बगैर चाटनी से थोड़ी आनंद आता है, चाटनी तो बना दो। वो बाबा कहाँ से लाए, इमली पत्ता की चाटनी बनवाए, चटनी बनवाए, ठाकुर जी रोटी सब्जी सब खा लिए। बोले देखो बड़े दिन से सोया नहीं, थोड़ा सोने का व्यवस्था कर लो, पेट से सुंदर सुंदर फूल लाए, फूल की सज्जा में ठाकुर को सुलाए। बोले गर्मी लग रहा है थोड़ा तो पंखा झुला, तब उन्होंने पेड़ की पत्ता ला कर पंखा झुला। बोले नींद नहीं आ रही है, थोड़ा पैर तो दबा दो, थोड़ी सी थोड़ी पैर दबा दो, फिर उन्होंने ठाकुर जी के पैर दबा। इसलिए उनका साथ में ठाकुर जी साक्षात रूप में उनको साथ में बात करते थे ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, वे द्रौपदी जैसे तो बोलो, द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन हम भक्त बने ठाकुर जी हमारा लिए भी, ठाकुर जी सब कुछ हमारा लिए भी ठाकुर जी करेंगे। इसलिए श्री सांडिल्य ने कहा, देख बज्रनाथ कृष्ण अभी है वृंदावन, कहीं जानते नहीं, उनका घर ही वृंदावन है, अपना घर छोड़कर प्रभु कहीं जाते नहीं। लेकिन अगर तुम उनकी अनुभूति करना चाहते हो, एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करना। बोले कृष्ण का जो लीला स्थली है वो धीरे धीरे सब अंतर्ध्यान हो गया, मतलब कृष्ण कहाँ पर रास रचा है, कहाँ गिरिराज उठा है, कहाँ मक्खन चोरी की, कहाँ गैया चराए, धीरे धीरे उनकी लीला स्थली अंतर्ध्यान होते जा रही है। तुम एक काम करो, चलो हम सबके सब मिल करके जाते हैं और ये ब्रज को उद्धार करें, कई तालाब खोद देंगे, कई चरण का स्थापन कर देंगे, कई उनके लिए कुंड बना देंगे, कई उनके लिए ठाकुर जी बना देंगे, जैसे बाद में जो आएगा कम से कम उनको पता चलेगा कृष्ण यहाँ पर ये लीला करते हैं, और वो लीला के अनुरूप वो सब स्थान रख लेंगे। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, जो जो जगह का नाम आप सुनोगे, एक स्थान का नाम कोसी, अब जब जाओगे दिल्ली से बीच में कोसी जगह पड़ता है। बोले कोसी नाम क्यों पड़ा, बोले ओ असीम। बोले एक दिन श्री श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने आए, राधा रानी घर की अंदर में थी, कृष्ण दरवाजा खटखटाए, राधा रानी बोली कोसी, कोसी मतलब तुम कौन हो, को असीम तुम कौन हो। कृष्ण बोले मेरा नाम चक्री, मैं चक्री मतलब जो सुदर्शन चक्र को धारण करता है। श्री राधा रानी कृष्ण को ठगने के लिए बोले चक्री, आप देखना जहां पर मिट्टी का हाड़ी कलसी बनता है ना, एक चक्र रहता है,
तथा हमारे घर में थोड़ी शादी विवाह है, नैया कलसी खड़ी और घड़ा की जरूरत है, जहाँ पर नैया जहाँ शादी हो रही वहीं पर चली जाओ, वो चक्री से वहीं पर चक्र में हाड़ी कल से बनता है। कृष्ण बोले भैया राधा रानी को दूसरे अर्थ निकाल दी। फिर कृष्ण खटखटाए, राधा रानी बोले कोसी, बोले तुम कौन हो? कृष्ण बोले मेरा अनंत नाम, नए नए नाम बताऊंगा, बोले मेरा नाम है मधुसूदन। बोले भक्त रूपी प्रेम रूपी मधुओं को जो ग्रहण करते हैं, मधुसूदन होता है जो मधुमक्खी है ना, जो फूलों के ऊपर बैठ करके शहद को ग्रहण करता है, उसका नाम भी मधुसूदन। बोले मधुसूदन मधुमक्खी कहाँ से आ गया? काट जाएगा भैया, दरवाजा में नहीं खोलता। कृष्ण बोले भैया अभी क्या करें? फिर दरवाजा खटखटाए, बोले कोसी, बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम घनश्याम है। बोले घनश्याम, घनश्याम मतलब भगवान का जो रंग है ना काला मेघ जैसे, काला मेघ जैसे। बोले घनश्याम भैया यहाँ पर बारिश की थोड़ी जरूरत है, जहाँ पर खेती वहीं पर जा बारिश कराओ, यहाँ बारिश की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण जितने नाम उन्होंने बताए, राधा रानी उसकी दूसरे दूसरे अर्थ को निकाल करके कृष्ण को एकदम ठग लिया। इतने में कृष्ण बोले हे राधे तू जीत गई मैं हार गया, मुझे दरवाजा खोल दे। इसलिए वह स्थान का नाम पड़ गया कोसी, एक स्थान का नाम अजनौ। हम लोग दर्शन के लिए जाना, अजनौ का नाम क्यों पड़ा? बोले एक दिन कृष्ण बंसी बजाए, गोपियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार हो चुका है लेकिन आंखों में केवल काजल लगाना बाकी था। काजल लगाने जा रही थी इतने में कृष्ण बंसुरी बजाए, राधा रानी तो भागते 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 राधा रानी है। कृष्ण ने देखा राधा रानी के तो सारे श्रृंगार है लेकिन केवल आंखों में काजल लगाना बाकी है। इतने में कृष्ण राधा रानी की आंखों में उन्होंने काजल लगा दी और काजल लगा करके जिस पत्थर के ऊपर बैठ कर काजल लगा रहे थे, जैसे काजल लगाया कृष्ण का हाथ में थोड़ा काजल था, उन्होंने वो अंगुल के लेकर के वो पत्थर के ऊपर में इसे घिस दिया, जैसे रंग हो जाए ना, जैसे हम जैसे जैसे घिस देते हैं। अभी भी वो पत्थर है, अगर आप अभी भी जाओगे ना वो पत्थर को रगड़ोगे तो पत्थर से अपने आप काजल रंग निकलते, अपने आप वो काजल, अद्भुत स्थान है। बोले भगवान ने जो लीला की स्पष्ट रूप में प्रमाण देता है, वो पत्थर घिसोगे तो उसे काजल निकलते अपने आप निकलेगा। वो 5.5 साल पहले जितने लोग आते हैं ना वो सारे पत्थर को घिस घिस कर काजल ले जाते हैं साथ में, लेकिन वो पत्थर भी खे नहीं होता, अच्छा घिसो पत्थर से अपने आप काजल का रंग निकलेगा। गोवर्धन में एक स्थान है, कभी राधा कभी कृष्ण राधा जी के चरण में मेहंद लगाए, मेहंद लगा करके वो पत्थर को पर उन्होंने लगाया था, अभी जाओगे वो पत्थर घिसोगे मेहंद का रंग अपने आप आते हैं। आप कभी बरसाना जाना, ऊंचा गांव में जाना, वहां पर कभी कृष्ण ललिता के प्यार में कभी उन्होंने मेहंद लगाया, आप देखोगे पत्थर के ऊपर में एकदम मेहंद रंग एकदम लगा हुआ पत्थर को, आप उसको रगड़ करके साफ करो देखोगे पत्थर से मेहंद रंग कभी नहीं छूटती। इसलिए ब्रज में ऐसे ऐसे स्थान है ना, अभी भी आप जाओगे कृष्ण लीला की स्पष्ट रूप में वो स्थान प्रमाण देता है, यहाँ पर कृष्ण ऐसे ऐसे लीला की। इसलिए श्री बज्रनाभ ने पूरा उन्होंने ब्रज मंडल को उन्होंने पूरा उन्होंने प्रकाशित किया है और विशेष करके उन्होंने 3 ठाकुर को बहुत प्रकाशित किया है, हैं? एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन, उन्होंने 3 ठाकुर को प्रकाशित किया। लेकिन औरंगजेब जब आक्रमण किया मुसलमान राजा, ये पहले वृंदावन में थे, राजा मानसिंह आप नाम सुने होंगे जयपुर का, इन्होंने ये तीनों ठाकुर को वृंदावन से ले गए कहा जयपुर। बोले क्यों? ये राजा जो औरंगजेब था सारे मंदिर को तोड़ देता था, ठाकुर को तोड़ फोड़ देता था, इसलिए मानसिंह राजा ने ये सारे ठाकुर को ले गए जयपुर में। लेकिन एक मदन मोहन अभी करौली, अगर आप कई दिन करौली जाओ कैला मैया को देखने के लिए, आप देखना वहां पर मदन मोहन। बोले वहां पर कैसे गए? देखो बड़ी प्यारी कथा है, कहते राजा मानसिंह की एक बेटी थी, बड़ी कृष्ण भक्त है, क्यों पिता माता भक्त थे ना, अब पिता माता का संस्कार तो बेटी के ऊपर पड़ती है, राजस्थान के मीरा भी उधर की है, ये बड़ी कृष्ण भक्त थी।
ये मदन मोहन को अपना हाथों से श्रृंगार करती थी, भोग लगाया करती थी, ठाकुर को सुलाती थी। अब ये लड़की हो गई शादी के लायक, राजा ने राजा जो जो कैला देवी जहां पर श्री मदन मोहन जहां पर रहते, क्या नाम है, करौली, करौली का जो राजा था, अभी राजा मान सिंह ने अपना बेटी को शादी देने के लिए वहीं पर बात की। राजा अपना बेटी को, एक बेटी थी, बड़ी प्यार करता था, बोले देख बेटी तेरी शादी होगी, तेरे को मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा, लेकिन तेरी मन में कोई अगर इच्छा हो तो बोल। बोले पिताजी भले ही मेरे मुझे दो और मत दो, मेरे को ये ठाकुर मदन मोहन को दे दो, क्योंकि बचपन से इनको मैंने सेवा की। अब देखना जिसको सेवा करोगे ना उसको साथ में तुम्हारी प्रेम हो जाएगी, अपने आप तुम्हारी प्रेम हो जाएगी, इसलिए मेरे को दहेज रूप में ठाकुर दे दो। लेकिन उनका नाम ही मदन मोहन है, बड़े सुंदर ठाकुर। राजा ने कहा देख बेटी वहां बहुत जयपुर कभी जाए हुए बहुत ठाकुर देखोगे, बोले तू और कोई ठाकुर ले लो, लेकिन इसको मत लो। बोले नहीं पिताजी, तब भी मैं शादी करूंगी जब दहेज में मदन मोहन देखो। अभी बेटी और पिता में लड़ाई हो गई, बेटी कहती है तभी शादी करूंगी जब मदन मोहन दोगे, पिताजी कहते नहीं और कोई ठाकुर लो, मदन मोहन मत ले जा, लेकिन बेटी को तो शादी देना ही पड़ेगा ना। राजा ने कहा देख बेटी तेरे को मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले जितने सारे ठाकुर को मैं खड़े कर दूंगा और तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध दूंगा, और तुम जिस ठाकुर को जाकर के स्पर्श करके बोलोगे ये ठाकुर चाहिए मैं वही ठाकुर दे दूंगा। बोले कोई बात नहीं। अभी पूरा राज्य के लोग वहां पर आए, ये बेटी कौन सी ठाकुर को लेकर ये जाएगी। इतने में रात को वो जो राजकुमार थी ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी तुम मेरे प्रेम को जानते हो और मैं तेरे प्रेम को जानती हूँ, तेरे को खिलाए बगैर कभी मैं खाती नहीं, तेरे को सुलाए बगैर कभी मैं सोती नहीं, लेकिन पिताजी कहते परीक्षा करके देखे, अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तुम मदन मोहन हो। देखो ठाकुर जी रात को सपने में आए, बोले बेटी कोई चिंता मत करो, तेरे प्रेम में मैं बसी होता हूँ, तुम एक ही काम करना, जब आंखों में पट्टी बांध देंगे ना तुम ठाकुर को शरीर में ऐसे स्पर्श करते करते आना, जब तुम मेरे पास में आओगी मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन ये बात को और कोई नहीं समझेगा, तू समझोगी पर नहीं समझूंगा। फिर बोलना पिताजी ये ठाकुर तो घर में चल पड़ूंगा। सचमुच से वो राजकुमारी जब मदन मोहन के पास में आए ना ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये बात को कोई नहीं देख रहे थे, वही अनुभूति कर रही थी ठाकुर जी मेरे हाथ को पकड़ करके रखे। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर दे दो। राजा मान सिंह तो एकदम आश्चर्य पड़ गए, भैया इतने सारे ठाकुर में पता कैसे चला ये मदन मोहन है। राजा ने कहा देख बेटी तुमने जीत गई, मैंने हार गया हूँ, ठीक है ये ठाकुर जो तुम दहेज रूप में ले लो। फिर राजा ने करौली अगर कभी जाओगे ना विशाल मंदिर उन्होंने बनाया, बड़े सुंदर ठाकुर बनाया, और अभी मदन मोहन जी वहीं पर श्री मदन मोहन जी की वहीं पर पूजा हो रही है। आप वहां पर जाओगे ना हजार हजार लोगों को देखोगे, रोज हजार हजार लोग वहां पर ठाकुर जी को दर्शन करने आते हैं। बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लोग एक भजन सुन लो ठाकुर जी की, फिर आगे कथा सुन भजन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। ये वृंदावन मकरंद है,
रस की करते रस दुल्हन प्यारी राधिका दुला सुजा हरे मोहन से दिल क्यों लगाया हे मैं जादू या हो जा मोहन से दिल क्यों लगाया मोहन से दिल क्यों लगाया हे मैं जादू या हो जा और जिसको नाचने का मन करे वो नाच भी सकते हैं, कोई पाप उससे नहीं है। देखिए हम लोग संसार में नाच ही रहे हैं, कभी ससुर के सामने नाचते हैं, कभी पति के सामने, और कभी ननद के सामने नाच ही रहे हैं। इसलिए ये कीर्तन में ताली बजाना और नाचना और भगवान के लिए माला बनाना ये सब भक्ति का अंग है। देखिए मीराबाई भक्तिमती मीराबाई ये नाची थी कि नहीं नाची थी ना, ऐसे नहीं नाची थी, पद में घुंघरू बांध बांध के नाची और कृष्ण के प्रेम में मस्तना हो गया, दीवानी हो गई। लेकिन यहाँ के लोग अभी दीवानी नहीं हुई कन्हैया के, यहाँ सिर्फ दो दिन चल रही है आज कथा, लेकिन दीवाना मन मस्ताना मन दिखा नहीं है। सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, खड़े होकर कन्हैया को मनाए Thank you.
Oh,
एक बार हाथ उठाए ऊपर और हाथ उठाकर क्या बोलना है, क्या बोलना है जब जोर से बोलो। हाँ, और नहीं जोर से क्या बोलना है, आप प्रेम से बोलेंगे हाथ उठाकर ताली बजा के। एक प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से सब कृष्ण विरह में बड़े दुखी, क्योंकि ये संसार छोड़कर कृष्ण चले गए। लेकिन देखा जो कालिंदी ये यमुना वो बड़ी प्रसन्न है। बोले कालिंदी क्या तेरे को कृष्ण विरह नहीं, हम तो कृष्ण विरह में बड़े दुखी है। कालिंदी ने कहा देखो राधा रानी की तीन स्वरूप है। कितना स्वरूप है, एक बच्ची किसकी है, अपना गोद में ले लो। इसलिए राधा रानी की तीन स्वरूप, श्री राधा रानी को एक है श्री वृषभानंदिनी और एक संयोगिनी और एक विरहिणी। बोले कृष्ण का भी वैसे तीन स्वरूप है, हैं? लेकिन इनको जो वृषभानंदिनी जो ये कभी वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाती, उसी तरह जो कृष्ण है वो भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है। बोले ये बात हमें कौन समझाएगा, बोले एक व्यक्ति। बोले कौन, बोले उद्धव। क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजे थे, बोले जाओ ब्रजवासियों को सांत्वना देकर के आओ। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, बोले अभी भी उद्धव श्री गिरिराज गोवर्धन को। हम लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाए हो, कौन कौन लगाए, अब देखना गोवर्धन परिक्रमा करते करते राधा कुंड से पहले वहां पर उद्धव कुंड है।
बोले अभी भी उद्धव जी घास बन करके वही बैठे हुए भजन कर रहे हैं। चलो श्री उद्धव जी को बोले कि उद्धव जी किसी बार विषय पर बताएंगे। सबके सब वहां पर आए और उन्होंने बड़े सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन के प्रभाव से कहते उद्धव जी घास बन करके भजन कर रहे थे। उद्धव जी साक्षात वहां प्रकट हुए। तब उन्होंने उद्धव जी को पूछा, उद्धव जी ये बताओ अभी हम कृष्ण का दर्शन कैसे करेंगे, कृष्ण हमें मिलेंगे कैसे। बोले उद्धव जी ने कहा, देखो जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे मैंने भी उनको यही प्रश्न की थी, अभी कृष्ण आप हमें मिलोगे कैसे। कृष्ण ने कहा, देखो मैं हर द्वापर में नहीं आता हूँ, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार मैं आता हूँ। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, अभी हिसाब लगा ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। कहिए कलयुग का जो परमायु 4,32,000 साल कलयुग का, बोले द्वापर युग इसको 2 गुना कर दो कितना होगा, बोलो 8,64,000। बोले तृतीया को कलयुग का 3 गुना कर दो कितना होगा, बोलो हिसाब लगा, हिसाब करना नहीं आता ठीक है। बोले सत्ययुग को कलयुग का 4 गुना बना दो, 4,32,000 को 4 गुना कर दो, अभी ये जितना हुआ ना उसको मिला दो, मिला दो तो उसको एक महायुग कहलाते हैं। और ऐसे 71 महायुग 71 महायुग में एक मन्वंतर होता है। और जब ऐसे 14 मनु जब बदल जाते हैं ब्रह्मा का एक दिन, मतलब 1,000 चतुर्युग 1,00,000,000 साल बीतने पर भगवान कृष्ण इस मध्य जगत में एक बार आए। हर समय कृष्ण नहीं आते। कृष्ण ने कहा, हे उद्धव अभी तो मैं आने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर ये कलयुग में कोई मुझे पाना चाहते हैं मैंने और एक रूप में भी दुनिया में रहूंगा। बोले प्रभु किस रूप में, बोले ये जो भागवत है ये भागवत नहीं, बोले तेन अयम वांगमय मूर्ति, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ में विद्यमान है। इसलिए बोले तपले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रुतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहि भागवतम स्वरूपम। बोले तमादि देवम करुणा निदानम, जैसे कृष्ण सबके आदि के अनादि है तो उसी तरह ये भागवत ग्रंथ भी सारी ग्रंथों का जो निचोड़ ये भागवत ग्रंथ। बोले तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिगोचि, अगर ये भागवत रस को कोई पी लेना उसको कोई दूसरे रस पीने की इच्छा नहीं होती। जो भागवत कथा सुन ले सब कथा सुनना हो जाती है, आपको और कोई ग्रंथ सुनने का जरूरत नहीं है। अगर ये संसार से कोई पार होना चाहते हैं, दुख कष्ट से कोई निकलना चाहते हैं, बोले एक उपाय है, आप ये श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, बस आंख बंद करके बैठो कथा सुनो, जब आंख खुलेगी ना अब यहाँ नहीं दिखोगे, कहाँ दिखोगे, देखो ठाकुर जी के चरण में पहुंच गए, गोलोक वृंदावन में पहुंच गए हो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए श्री उद्धव जी ने कहा, देखो अगर आप कृष्ण से मिलना चाहते हो एक उपाय है, ये भागवत कथा सुन लो। ये भागवत कथा सुनना और कृष्ण से मिलना कोई अलग बात नहीं, जैसे आप यहाँ कथा सुन रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, बांके बिहार से मिल रहे हो भगवान से, आप भगवान से मिल रहे हो, कथा सुनना और उनसे मिलना कोई अलग बात नहीं। फिर महेश्वर का उद्धव जी, फिर तो हमें कथा ही सुना, बोले ठीक है मैं कथा सुनाऊंगा, हम लोग तो 7 दिन तक सुनेंगे, लेकिन उद्धव जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए सुनाए, इसलिए उनको 1 महीना लगा कथा सुनाने में। और जब भागवत कथा की विश्राम हो गई, कृष्ण स्वयं राधा जी को साथ में, सखियों को साथ में, कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ से कृष्ण प्रकट हुए, फिर महिषियों को साथ में मिले, फिर महिषियों में जो विरह था वो विरह दूर हो गया। मतलब अगर हम कथा सुनेंगे ना, जब 7 दिन विश्राम हो जाएगी, अब देखना आपको लगेगा भैया ये 7 दिन बाद फिर हम क्या करेंगे, ये समय हमारे कैसे बीतेगी, यहाँ पर तो 3-3-4 घंटा कीर्तन कथा
नाश्ते कूदते समय भूल गया, अभी हम क्या करेंगे, अभी समय को कहाँ बिताएंगे हैं। इसलिए भागवत कथा सुनने से हृदय एकदम तृप्त हो जाएगा, आनंद से हृदय भरपूर हो जाएगी। ये भागवत कथा से ऐसे लगेगा जैसे हमें भगवान जी ठाकुर जी हमें मिले। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी यहाँ पर कहते हैं भैया भागवत कैसे सुननी चाहिए, भागवत कथा में कैसे सुननी चाहिए। देखो अभी हम आपको हम कैसे कथा सुननी चाहिए मैं बताऊंगा, फिर मैं कल पूछूंगा, देखूंगा मेरे कौन बोल पाता है, और जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। सब बच्चे लोग सुनना ध्यान देकर, माताएं तो सब बड़े बूढ़े हो गए, अभी जो कम उम्र के ना हम ध्यान देकर सुना। इसलिए कहते भागवत का श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के। कहते एक श्रेष्ठ है और एक कनिष्ठ है। बोले जो श्रेष्ठ श्रोता चार तरह के, कितने तरह के, चार। जो पहला नंबर श्रोता है बोले हंस, आप हंस को आप दूध दो, देखना उसके अंदर में एक विशेष गुण है, वो तो दूध दूध को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। मतलब है हमें सार ग्राही होनी चाहिए, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। बोले मक्खी क्या करता है, बोले गंदी चीजों में बैठे। बोले मधुमक्खी क्या करता है, वो पुष्प की शहद में है, फूलों में बैठ करके उसकी शहद को ये ग्रहण करता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए हमें, मधुमक्खी बननी चाहिए। हंस बन करके केवल हमें जीवन में सार सार को हमें उतारनी चाहिए और असार को हमें त्याग देनी चाहिए। दूसरा है तोता, ये तोते में एक विशेष गुण है, उसको पता है कौन सा फल भैया पक्का और कौन सा कच्चा। वो केवल पक्के फल में ही मुंह मारेगा, थोट मारेगा, कच्चे फल में नहीं। इसका मतलब है हमें जहां तक अपना मुंह नहीं मारनी चाहिए, पक्के चीज मतलब केवल प्रभु की भक्ति रस में मुंह मारो, इसलिए जहां तक मुंह नहीं मारनी चाहिए। तीसरा नंबर है मछली। हम मछली को देखना उसका आंखों का जो पलक है ना कभी झपती नहीं है, देखना आंखों का पलक खुली भी रहती है और खुल करके खीर समुद्र में केवल दूध दूध खीर दूध दूध ही पान करते रहता है। कहते श्रोता कैसे होनी चाहिए, बोले मछली जैसे, जैसे मछली एकदम आंख का पलक भी नहीं झपती है, उसलिए कथा भी हमें टकटक लगा करके एक मन से भागवत की एक अक्षर भी हमसे चूक नहीं जाए ऐसे कथा सुननी चाहिए। कितना तरह का हो गया, कितना तरह का हो गया, तीन हो गया। और चार तरह का बताए चातक, एक चिड़िया है, ये चिड़िया की एक विशेषत्व है वो कभी भी किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी नहीं तो किसी पोखर का पानी नहीं पिएगा, वो केवल स्वाद ही नक्षत्र का पानी पीता है। इसलिए वो चिड़िया हर समय बोलता है प्यासा प्यासा, मैं प्यास ही हूँ, मेरे को पानी दो पानी दो पानी दो, हैं केवल स्वाद ही नक्षत्र का पानी पिएगा। बोले एक समय जो चकोरा है ये एक में गंगा किनारे में एक वृक्ष था, वो वृक्ष के ऊपर भी ये चातक चकोरा बैठा हुआ था। इतने में एक बहेलिया ने एक बाण उसको मारा, बाण मरते मारते ही तीर मारते ही इस पार से उस पार हो गया, लेकिन गिरा किसमें, गंगा पानी में। लेकिन गंगा पानी होने पर भी लेकिन वो पानी पिएगा तो कौन सा पानी, स्वाद ही नक्षत्र का। जब बारिश ही होना वो तभी पानी पीने, तो किसी पानी को नहीं पिएगा, गिरा तो गंगा पानी में, गंगा पानी तो पवित्र है, लेकिन अपना मुंह बंद कर दिया। बोले भैया पानी पियोगे तो स्वाद ही नक्षत्र का पानी, मतलब क्या, कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे। ये दुनियादारी की ऐसे नहीं बैठ करके उसको बेटी ने ऐसे की, उसकी बहू ने ऐसे की, उसकी छोरा ने ऐसे की, उसकी छोरी ने ऐसे की, बैठ करके सारा दुनिया की है गप्पे मारने लग जाए, ठीक है ना। इसलिए कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे, दुनिया की कोई बात हम नहीं सुनेंगे। कितना तरह का हो गया, याद रहेगा, याद रहेगा ना, ठीक है। कल अगर कोई सुनाएगा ना इनाम दूंगा, मैं कल मेरे को सुनाता हूँ, ठीक है। जो साधारण जो श्रोता वो भी चार तरह के, पहला नंबर है भुरु,
कि ये पक्षी ये हिमालय पर्वत में रहता है, इसकी एक विशेष गुण है, अगर आप इसको जैसे सुनाओगे ना ठीक आपको वैसे ही सुना देगा, लेकिन अब करते समय पूरा पूरा उल्टा करेगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा लेकिन अपना जीवन में कभी उतार देगा नहीं है। इसका मतलब है कि ये भुरुंड चिड़िया, मतलब ये श्रोता अच्छे श्रोता नहीं, सुनेगा सुना देगा लेकिन अपना जीवन में उतारेगा नहीं। दूसरा नंबर है ऊंट, आप लोग ऊंट का देखे हो कभी, देखो देखे ना आप, देखना ऊंट को कोई सुंदर सुंदर कोमल कोमल कोई पता तो वो नहीं गाएगा, वो देखेगा कौन सा पेड़ में कांटा है, बबलू का पेड़ कांटा है जिसमें कांटा हो ना, वो ढूंढ ढूंढ कर कोई कांटा पेड़ में खाएगा। मतलब क्या है, भगवान की जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा भी रुचि नहीं उसकी होगी, बैठी करके दुनिया की बात होना, बोले हमने एक भूत देखा था, बोले हमने 10 हाथ का भूत देखा था, बोले हमने एक सांप, बोले मैंने भी यहाँ पर इतना बड़ा, अब देखना ये कथा हो एकदम कान खड़ी हो जाती है, नहीं कथा सुनेंगे तो किसकी कथा सुनेंगे, ठाकुर की कथा। ऊंट नहीं बननी चाहिए, कांटा कांटा चीज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो दुनिया की जो कथा में कांटा युक्त कथा है, दुख ही दुख संसार की कथा में, लेकिन भगवान की कथा में आनंद ही आनंद रस ही रस है। तो दो तरह का हो गया, बोले तीसरा नंबर, बोले तीसरा नंबर बोले बेल। अब बेल को बड़े सुंदर सुंदर कोई फल दो और उसको घास भूसा दे दो, देखना ये दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को बराबर मानता है। मतलब क्या, ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनिया की कोई भी कथा हो बस उसमें रम जाते हैं, हैं? कहते नहीं हमें हर कथा में रमनी नहीं चाहिए। तीसरा नंबर भेड़िया, ये एक छोटे जाति की बात होता है, ये हिरण को तभी आक्रमण करेगा जब हिरण किसी सुलीली शब्द को सुन करके कान को खड़े कर देते हैं, उसी समय में ये उसका आक्रमण करेगा। इसका मतलब बोले मतलब है बोले ऐसे कुछ लोग होते हैं कथा नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते हैं लेकिन पास में जो बैठने वाले व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनने नहीं देते हैं, बिना कारण के इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। यदि ये भेड़िया है, हैं तो चार करेगा साधारण श्रोता, और जो श्रोता है ना और तीन तरह का, एक श्रोता और एक सरता और एक श्रोता है। बोले श्रोता मतलब क्या है, बोले आकर कथा में जो सो जाते हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कथा में नहीं सुनी चाहिए। बोले देखो कोई एक श्रोता था, वो रोज आकर के व्यास जहाँ कथा करते ना ठीक सामने बैठेगा देख देख कर, और कथा सुन बस सोना सुन, और कथा समाप्त जब वक्ता कहता है वृंदावन बिहारी लाल की, जग जाएंगे। बोले क्या प्यारी प्यारी कथा, लेकिन कथा नहीं सुनी। लेकिन उसको ना उसका एक नाती था, वो नाती क्या करता था, उसको ला कर कथा में बैठा लेता था और खेलने चले जाता, जब कथा विश्राम हो जाता नाती ले जाता, अगर सामने कोई श्रोता हो अगर सो जाए ना, जो वक्ता है वो कभी कथा नहीं सुना सकता है, सामने श्रोता को देख करके मन में आनंद आता है तभी सुनाएगा। परिकीर्ति महाराज थे श्रोता, तभी तो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए ना, इसलिए श्रोता जितने बढ़िया होगा वक्ता को कथा बोलने में उतनी अच्छी लगेगी। और सामने आकर जो सो जाए वक्ता तो परेशान, एक दिन उसका जो नाती था बुला के लेना, बोले भैया तू क्या करते हो, तुम क्यों ला करके दादा को सामने बैठा देते हो, बोले दादा मेरे को रोज ना 2 रुपया देते हैं। बोले 2 रुपया देते हैं, बोले देख बेटा कल से मैं तेरे को 4 रुपया दूंगा, एक काम करना अपना बाबा को पास में बैठ जाना और उनको सोने नहीं देना किसी तरह से, जब सोने जाए ना उनको अपना हाथ में हाथ लगा कर किस तरह सोने नहीं देना, इतने में वो बैठेगा जो 4 रुपया मिलेगा, भाई 2 रुपया में क्या मतलब है, उसको एकदम पास में बैठ करके ना 1 घंटा कथा हुई, 1 मिनट उनको सोने नहीं देना, जब झपकी मारे ना उसको अपना हाथ मारे 1 घंटा तो परेशानी। बोले भैया क्या बात, तेरे को मैं रोज 2 रुपया देता हूँ, तुम खेलने चले जाता बैठ गया क्यों, बोले मेरे को जो बगता है ना, बोले 4 रुपया दूंगा, बोले 4 रुपया देगा, बोले हाँ, बोले कल तेरे को मैं 6 रुपया दूंगा, मेरे पास में बैठना है। इसलिए पहला नंबर श्री श्रोता जो कथा में आकर के सो जाए, दूसरा नंबर सरोता, बोले सरोता किसको कहते हैं,
बोले केवल जो दोष देखने के लिए आए, जिनकी कथा में से कोई मतलब नहीं। अरे यहाँ तोता लगाया था, केले का पेड़ का ही नहीं, नवग्रह का लगाया नहीं, जिनको कथा पता से कोई मतलब नहीं, उनकी केवल मतलब है केवल दोष ढूंढने में इनको सरता। और श्रोता मतलब है जो वास्तविक रूप में हंस बन करके, चातक बन करके, मछली बन करके और श्री तोता बन करके केवल जीवन में सार सार को ग्रहण करे और असार को त्याग दे। इसलिए कथा बोले चार तरह की, कितने तरह के? चार तरह की। बोले पहला नंबर सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा जिसको कहते हैं, जैसे एक महीना सुने, दो महीना सुने, कथा तो एक महीना दो महीना सुने, लेकिन उसको बाद में कोई कथा से कोई मतलब नहीं, बस कथा खत्म और खुद भी खत्म। कभी ये राजस्व की कथा किसको कहते हैं, बोले बड़ी ठार बार से कथा की आयोजन करवाए, हैं सबको निमंत्रण दिया, भैया कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ, कथा सुनने के लिए आओ। कभी कभी व्यवस्था में इतने बिजी हो जाते हैं, कौन कहाँ पर रहे, कौन कहाँ पर खाए, कौन क्या पर किया, इतने उसमें कभी कभी बिजी हो जाती है। असली जो कथा की जो आनंद लेना, वो कथा की आनंद को नहीं ले पाते हैं, इसको कहते राजसी। बोले तामसी किसको कहते हैं, जैसे सात दिन कथा होगी, हैं कथा में सात दिन, कथा में कभी बीच में आएंगे, कभी लास्ट में आएंगे, कभी बैठेंगे, कभी खड़े हो जाएंगे, कभी एक चक्कर लगा कर आ जाएंगे, जो मन और बेमन से किसी तरह से सात दिन किसी तरह से बिता देना, इसको कहते तामसी कथा। ये कथा सही कथा नहीं। बोले सही कथा क्या है, बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रय। बोले सही कथा है जिसने अपना जीवन को कथा बना दिया, रोज घर में नियम करके गीता की एक श्लोक जिसमें बताया भागवत की, रोज जिसके घर में एक अध्याय पाठ करके, अगर एक अध्याय नहीं करता, अगर एक श्लोक को, मतलब एक श्लोक नहीं, एक चौथा श्लोक जिस घर में भागवत की कोई उच्चारण होती है, साक्षात ठाकुर जी अपना राधा जी को साथ में वहां विश्राम करते हैं, ठाकुर जी राधा जी को साथ में घर में निवास करते हैं। इसलिए नियम करके क्या करो, रोज गीता थोड़ी सी पढ़ो, नहीं तो रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कोई भक्ति ग्रंथों को पढ़ो। इसलिए जिस घर में भागवत ग्रंथ रहता है, क्या तो उसी घर में ठाकुर का निवास रहता है। लेकिन पहले क्या होता था, जितने बड़ी बड़ी माताओं को पूछो, सबके सब घर में सवेरे उठ करके ठाकुर जी को स्नान करना, गोपाल जी को पूजा करना, रामायण हो, गीता हो, भागवत। लेकिन अभी सभी मिले टीवी खोल के बैठ गए, सास बहू की लड़ाई, इधर उधर सीरियल आ रहा है, नहीं स्मार्टफोन कंप्यूटर ये सब चीज है ना, हमारी संस्कृति को पूरा बिगाड़ दिया है, पूरा ही हमारी संस्कृति की ये एकदम तसनच कर दिया है सब चीज। इसलिए पहले गीता भागवत रामायण पढ़ने पर क्या होता था, मन में शांति मिलती थी, सुख मिलता था, बैठ करके माता कीर्तन हर चर्चा करते थे, जिससे जीव का कल्याण उद्धार होता था। अभी वो सब चीज गंदी गंदी उल्टा पुलटा चीज। इसलिए टीवी को हमारे गुरु जी कहते हैं सख्या तो कली ने ये टीवी रूप धारण कर लिए, कली ना स्वयं आ गया जीवों को बर्बाद करने के लिए। है पहले एक चैनल था, अभी सारा दुनिया की चाल है उसमें कोई है, अगर कोई अच्छी चीज आती है, सत्संग आती है, कोई बढ़िया चीज आती देखो तो उसमें बढ़िया है। लेकिन उल्टा पुल्टा चीज सारा दुनिया को देख कर बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए समय मिले तो गीता भागवत रामायण पढ़ो, जिसमें हमें शांति मिले, जिसमें हमें सुख मिले। देखो अभी एक कथा हो रही थी ना, मैं एक कथा सुनाता था, इसको पहले जो कथा हो रही, देखो हमारा शास्त्र गीता भागवत पढ़ने से कितना लाभ है। बोले ये अमेरिका की कथा है, बोले जो गीता जयंती है ना, गीता जयंती में इस्कॉन के भक्त लोग गीता को बेचते हैं। ये अमेरिका में घटना, एक अंग्रेज प्लेन से उतरा और गीता जयंती में वो 8-10 बाबा लोग गीता बेच रहे थे। बोले भैया गीता लो, बोले गीता। लेकिन वो 8-10 खड़े हुए थे इसे लाइन करके दूसरे के पास, बोले गीता। लेकिन उसका भैया 8-10 उसने $5 दिया और एक गीता खरीद कर दिया। देखा ये तो बेकार जी है, इस कोई काम के नहीं, अपना ड्रम रख दिया। एक दिन वो इतना डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया, सोचा आज हम सुसाइड करें।
इतना डिप्रेशन में आ गया। अभी वो सुइसाइड करने जा रहा था, अभी जिस ड्रम में वो उसका बंदूक था ना, उसी ड्रम में ये भगवत गीता था। अभी वो ड्रम को खोला, खोल करके जब बंदूक को पकड़ने के लिए गया, बंदूक क्या आएगा उसको हाथों में, ये भगवत गीता है। गीता जब आ गई, वो गीता को खोला, मरने जा रहा था ना, गीता को खोला, कौन सा देखो, जब गीता को खोला, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति। बोले हे अर्जुन, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं, ये दुनिया की वस्तु, कोई भी दुनिया की वस्तु तुम्हें सुख शांति दे ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले संसार में सब नश्वर है। एक दिन नाशवान वस्तु, जो जगत में नाशवान वस्तु, वो कभी हमें शाश्वत शांति नहीं दे सकता है। अभी जगत का प्रेम कहां से शुरू होता है? आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, और कुछ दिन बाद में आई कील यू, पर कोर्ट में जाकर के वाह मामला मुकदमा, कोर्ट में जाकर के मामला मुकदमा है। इसलिए कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर जीवन में तुम परम शांति पाना चाहते हो तो मेरी शरण में आ, मेरी शरण में ही तेरे को शांति और सुख मिलेगा। ये शरीर क्या है? एक वस्त्र है। जैसे एक वस्त्र पुरानी होने पर हम उसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर अनित्य है। ये शरीर पुराना होने पर ये आत्मा शरीर को छोड़ करके फिर एक नया वस्त्र शरीर धारण करता है। इसलिए जो आत्मा है ये नित्य शाश्वत, ये आत्मा, अगर तुम शांति सुख पाना चाहते हो तो मेरे शरण में आ और मेरी भजन करो, तभी तुम्हें परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होगी। वो सुइसाइड करने जा रहा था, वो सुइसाइड क्या करेगा, उसने रात भर ये गीता को पढ़ा और उसको नई नई उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कृष्ण जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे थे, वो सुइसाइड करेगा, रात भर उसने सुइसाइड करना छोड़ दिया। छोड़ करके वो सवेरे गीता को देखा, भैया ये गीता आया कहां से? उसमें पता लिखा हुआ था, इस्कॉन का पता था, और ढूंढते ढूंढते वहां पर गया और जाकर के संतों से मिला, फिर उन्होंने डिस्कशन करा क्यों हमें संसार में शांति क्यों नहीं मिल रही है। जब हमारे स्वामी महाराज पहले अमेरिका गए ना, वहां के लोग सब हिप्पी हो गए थे। अब देखना इस दुनिया में लोग सुख ढूंढते हैं, पहले कहाँ सुख ढूंढते हैं? प्रेम में। एक लड़का लड़की को, लड़की लड़की को प्रेम में सुख ढूंढते हैं, लेकिन तो अनित्य शरीर, कुछ दिन बाद में सुख नहीं मिलता। उसको बाद में सुख कहाँ ढूंढते? बोले पीने में, गज्जा फूकने में, सोचते साथ उसमें सुख मिलेगा। जब उसमें सुख नहीं मिलता, फिर हिप्पी, इसलिए अमेरिका में सब हिप्पी बन गए थे, और वहां के सरकार किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो नशा कर रहे थे हिप्पी बन गए थे, और कहीं जाकर किसी दुकान में एक साथ में आक्रमण करते थे, चोरी डाकू करते थे, किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन जब स्वामी महाराज इस्कॉन को जो स्थापन किया, उन्होंने जब गए, उनको जब उन्होंने कृष्ण नाम दिया, उसी से ही ये हिप्पी से वो हावी बन गए, वो हिप्पी से सबका हावी बन गए। केवल स्वामी महाराज ने उनको केवल कृष्ण नाम से, भगवान की भक्ति से उनको इतना आनंद मिला, वो जितने हिप्पी लोग थे ना, सबके सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सब बदल गए। वो जो व्यक्ति था ना, वो पहुंचा उस संतों के पास में, संतों ने उनको समझाए, भैया अगर तुम शांति सुख पाना चाहते हो, जब तक तुम ठाकुर जी की भक्ति नहीं करोगे, ठाकुर जी का प्रेम नहीं करोगे, ये दुनिया वस्तु कभी तुम्हें शांति सुख नहीं दे सकता। वो आनंद स्वरूप रस स्वरूप ठाकुर जी वही दे सकते। उसने छोड़ करके उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया, जैसे हम लोग सन्यासी ग्रहण किया ना, उसने सन्यासी ग्रहण किया और ग्रहण करके अभी सारा दुनिया में ये गीता को प्रचार कर रहा है। वो क्रिश्चियन है, अभी वो महाराज जी है, जिन्होंने मरने के लिए जा रहे थे और मृत्यु से साधु बने, अभी सारा दुनिया में ये गीता को प्रचार कर रहे हैं। ये गीता ऐसे एक ग्रंथ है, इसलिए अभी अभी देखना बच्चे लोग पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर करके डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि गीता भागवत तो पढ़ते नहीं, उनको शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं। यही हमारी गीता भागवत ही ये आत्मा को शांति देने वाले, ठीक है ना? इसलिए नियमित करके घर में
थोड़ी थोड़ी भक्ति ग्रंथ पढ़ोगे तो मन में शांति और सुख आएगा। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, अच्छा कोई ताबी बजा रहे कोई नहीं बजा रहे, सभी लोग बजा। मैंने बोला था कहते जी कि कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती है और सारे बहुत सारे फायदे हैं, महाराज जी बताएंगे कि ताली बजाने से क्या होता है। इसलिए ताली बजाकर सभी कीर्तन गाएंगे, कोई कोई लग रहा है किसी किसी को नींद भी आ रही है। तो मैं गया था राजस्थान, वहां एक माता जी आई, तो माता जी आकर बोली कि बेटा खाने के बोलो। मैंने कहा माता जी बोलो क्या बात है। बोले खाने के बोलो, खाली कथा तो इतनी मधुर है, इतने मधुर है। मैंने कहा माता जी आपने कथा में क्या सुना। बोले थारी कोनी पतो, कथा थारी बहुत अच्छी है। मैंने कहा क्या सुनाओ तो प्रसंग तो बताओ क्या सुना आपने। बोले थारी कोनी मालूम, तो बोले बेटा खाने के बोलो, मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं तो मानी कोनी नींद आवे, नींद की गोली 10-10 खाए रोज लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। लेकिन थारी कथा में जब आता हूं, थारी कथा में जब आती हूं तो तुरंत नींद आ जाती है। तो मैंने कहा चलो किसी बात में तो पास किया आपने, तो कथा में आते ही नींद आ गई। तो कथा का रस ऐसा है, सुनते सुनते बहुतों को नींद आती है, इसलिए नींद ना आ जाए। हम लोग सभी ताली बजा कर गाएंगे और क्या करेंगे, नाचेंगे भी। तो वृंदावन किस किस को जाना है, जाना है, सभी हाथ उठाते हैं लेकिन नाचते नहीं है। अरे 7 दिन में यहाँ वृंदावन बनाना है कि नहीं है, बनाना है तो फिर नाचते कूदते तभी तो लगेगा कि हाँ सही में वृंदावन है। सभी लोग एक बार खड़े हो जाए, प्यार सीधा कर ले, खड़े हो जाए एक बार सभी लोग और नाच के फिर प्यार सीधा कर ले। ओ मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, ओ मैं तो आई वृंदावन किशोरी तेरे चरणन में, समझ तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, समझ तेरे चरणन में, हमें तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, हमें तो आई
ब्रजमंडल की राधा रानी, ब्रजमंडल की राधा रानी, ओ ब्रजमंडल की राधा रानी, ब्रजमंडल की राधा रानी, आ मुक्ति जहाँ पर भर नहीं पानी, मुक्ति जहाँ पर ओ तेरे द्वारे पड़े हैं दर धाम, जितो जिसे जितन तक तेरे द्वार पड़े हैं दर, किशोरी तेरे दर तक में समझो तेरे Thank you.
जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय जिनसे होता है
इनकी ऐसे अद्भुत माया है जिनकी इच्छा से ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार और विष्णु जगत को पालन करते हैं। जिसकी माया ऐसे माया है जिसमें बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया में मोहग्रस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता माया इनके मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे जा करके कैसे इंद्र भी जिनकी माया में मोहित हो गए, इसलिए उन्होंने सोचा गोकुल को मैं तसनस कर दूंगा। 7 दिन तक शिला वृष्टि और बारिश कराया, कृष्ण क्या क्या गिरिराज उठा लिया। बाद में जब पता चला भैया कृष्ण को नहीं बांके बिहारी, बोले भैया मेरे प्रभु जिसकी कृपा करके दिए, फिर उन्होंने कृष्ण चरण में माफी मांगी। ब्रह्मा जी भी जिनकी माया को समझ नहीं पाए, कृष्ण की बछड़े सखाओं को चोरी करके लिए, कृष्ण बछड़े सखाओं को सृष्टि कर लीला की, ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने भी नाक रगड़ी। गत एक समय कृष्ण द्वारका में उनके 16108 पटरानियां, लेकिन उसमें जो विशेष करके 8 जो रानी है ना मुख्य है, रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा, उनकी 8 श्रेष्ठ रानी है। एक दिन श्री नारद जी स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग से जब आए एक पारिजात फूल लेकर के आए और उन्होंने कृष्ण को बोला देखो कृष्ण ये फूल लो, ये स्वर्ग का नंदन कानन की फूल है, ये फूल कभी नहीं मुरझाता है, ये फूल सबसे तुम्हारी जो प्यारी रानी सबसे ज्यादा उसको दे दो। नारद जी ने कृष्ण ने देखा, देखो झगड़ा लगाने के लिए आ गया था, हम कहते ना तू क्या नारद जी का काम करते हो, बोले कहां झगड़ा लगाने के लिए आ गया, क्यों कृष्ण जिसको पास में रहते है ना सबको कहते हैं मैं तेरे को जितने प्रेम करता हूँ और किसी रानी को मैं इतना प्रेम नहीं करता हूँ, अभी तो सारे भारत फूट जाएगी, अभी पता चलेगा किसको, अगर जिसको देना दूसरे मुंह बुला कर बैठ जाएगा। कृष्ण तो सोच में पड़ गए, नारद जी ने कहा प्रभु समय नहीं, जल्दी जल्दी फूल को दो। अभी उनको सबसे पास में सबसे बड़ी रानी से रुक्मिणी, उन्होंने रुक्मिणी को फूल पकड़वा दिया। जो सत्यभामा थी ना ये राधा रानी की अंशन है, सत्यभामा को इतने क्रोध आ गया, उसको तो प्यार पटकते हुए क्रोध करते हुए चली गई सभा से और जाकर के मान भवन में ले गई। कृष्ण ने देखा ये नारद देखो क्या लड़ाई लगा, अभी कृष्ण गए सत्यभामा के ऊपर में हाथ रखना तो हाथ फेंक दी, बोले आप ऊपर में जैसे काले अंदर से कम काले नहीं, आप मेरे को कहते थे सत्यभामा तेरे को मैं जितने प्रेम करता हूँ ना और किसी को प्रेम नहीं करता हूँ, आज तो सबको सामने परी क्या हो गया ना, आप सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो। कृष्ण ने कहा एक फूल के लिए इतने मान कर रही हो, अरे उसको तो मैंने एक फूल दिया तेरे लिए ना स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ करके ले आऊंगा और तेरे घर को सामने लगा दूंगा, बोले ज्यादा बोलो मत, जो एक फूल नहीं देखा मेरे स्वर्ग से पेड़ नहीं आएंगे, बोले तुम झूठ मानते हो चलो स्वर्ग में, बोले ले चलो। तब उन्होंने सत्यभामा को गरुड़ के ऊपर बैठाया और स्वर्ग में गए और उन्होंने देवता को बोले देखो इंद्र मेरी जो सत्यभामा ना बड़ा मान की है, तुम एक वृक्ष यहाँ से स्वर्ग से एक पारिजात पेड़ दे दो, बोले नहीं ये पारिजात वृक्ष तभी स्वर्ग का इतने महत्व क्योंकि ये स्वर्ग में पारिजात पुष्प है, इसलिए ये इतनी महत्व, अगर ये स्वर्ग लोगों से मरते जगत में चला गया स्वर्ग का महत्व क्या रह जाएगा, इसलिए ये वृक्ष कभी मरते लोग में जा ही नहीं सकता है। कृष्ण बोले फिर तो मेरे को बल प्रयोग करना पड़ेगा, अगर राजी खुशी से नहीं दोगे, बोले नहीं हम दे सकते हैं। इतने में कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाया, सबके साथ में प्रभु युद्ध किया, एक साथ में 33 करोड़ देवता सबके सब एक तरफ में और भगवान कृष्ण एक तरफ में, ऐसे भगवान युद्ध सारंग धन उठाया चक्र और सबको मार मार कर भगा दिया और उन्होंने देखते देखते उन्होंने स्वर्ग से उन्होंने पारिजात वृक्ष को उखाड़ लिया और गरुड़ों के ऊपर रखे मरते जगत में आए सत्यभामा का घर के सामने बो दिया और सत्यभामा की आनंद की ठिकाना नहीं। फिर सत्यभामा ने किया कि जितने महिषी आती ना सबको निमंत्रण दी, बोले क्यों, बोले भैया ये मत समझो कृष्ण रुक्मिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको तो एक फूल दिया देखो मेरे लिए वृक्ष ले आओ देखने के लिए आओ सबके सब, इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुझे जत सुरयो, भगवान की ऐसे माया है जिससे देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र जिसको
भगवान सबको परास्त करते हैं, ऐसे कौन है? बोले श्री भाग्य बिहारी है, बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते ऐसे जो परम सत्य है, हैं ऐसे जो परम सत्य भगवान, हम सबके सब उनका चरण में प्रणाम करते हैं। तब यहाँ पर हमारे जो रस्सी की टीकाकरण बोले, बोले भैया केवल क्या कृष्ण को प्रणाम करते ना, और कोई है? बोले नहीं, कृष्ण नहीं, उसको साथ में सिर्फ ईश्वर जी को, राधा जी को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है बस, मतलब जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल वो लीला करने के लिए राधा कृष्ण बने। उदाहरण दिया जैसे एक जड़ हो और उसमें दो फूल खिले हुए, जैसे आप दिया जलाते हैं ना, देखना तेल तो एक जगह में, उसमें दो तरफ में दो दिया जल रही है, लेकिन तेल क्या, मतलब तेल एक ही तेल है लेकिन दो तरफ में दो दिया जल रही है। क्योंकि उसी तरह तत्व तो ये दो नहीं, तत्व तो एक ही है, लेकिन अपना सेवा शिक्षा देने के लिए कृष्ण अपना वाम अंग से श्री ईश्वर जी को उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले श्री जुगल सरकार को प्रणाम करते हैं, शिक्षा देते हैं। कभी भी अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले राधिकार दासी जदी भाए अभिमान कहते हैं, कृष्ण जल्दी जल्दी तुम्हें कैसे मिलेगा? उसका उपाय कहते हैं, अगर किसकी ये अभिमान हो जाए, हम तो श्री राधा रानी की दासी है, उनकी चेली चेली है, फिर तो कृष्ण जल्दी जल्दी तुम्हें मिल जाए कृष्ण। इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर कृष्ण कभी मिलेंगे नहीं। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोला, और जोर से, सबके सब राधा जी की नाम लेते हैं, क्योंकि राधा जी की पास ही वाक्य विहार मिलते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की, जो दूसरी जो श्लोक है ना प्रतिज्ञा, देखो ये भागवत कथा का कितना महत्व है। जैसे मंदिर में कथा हो रही है, अभी आपने कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो, आपको पता चला ये शिव मंदिर में कथा हो रही है, अभी घर से नहीं निकली, घर में बैठे हो, अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो जाए, कथा सुनने में जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, अगर इतनी सी केवल इच्छा हो जाए नहीं तो, बोले कही तू कथा सुनने के लिए तू चले जा, घर का काम मैं कर लेती हूँ, अगर इतनी सी अगर किसकी मन में इच्छा हो जाए ना, ठाकुर जी उसको हृदय में ऐसे बंद हो जाते हैं जैसे एक व्यक्ति अपनी आप किसी घर में जाए और अंदर से अपने आप को कुंड लगा दे, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के ऐसे बस जाते हैं, ठाकुर जी को भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, केवल सुनने की इच्छा। भैया बोले अगर सचमुच से कोई कथा में बैठ गया, बोले उसका महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो इतने पुण्यात्मा है, इतने पुण्यात्मा। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं? बोले सुश्रुषुभि, सुश्रुषुभि मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई पुण्य उदय हो तभी कोई कथा में सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमारा तो पुण्य इतना है, हमने तो पुण्य इतना किए नहीं, हम तो बड़े पापी है, कहते आप केवल कथा में बैठ जाओ, कुछ करने का जरूरत नहीं, कथा सुनते सुनते अपने आप तुम पुण्यात्मा बन जाओ। इसलिए कहते ये भागवत ये प्रतिज्ञा करता है, कथा सुनने का इच्छा करने पर ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं। तीसरा श्लोक में बताया कि हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को बीच रहे हैं। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या? बोले जो मांगो वही मिले। अब सही सही सचमुच आप बहुत सारी जगह पर देखा, जो लोग एक सप्ताह तक एक मन से और नियम पूर्वक कथा सुने, उनने जो कुछ मांगे, धन दौलत पुत्र परिवार दुनिया की वस्तु तो अपनी आप ठाकुर जी दिखती है। ठाकुर जी अभी हम ग्रेटर नोएडा में कथा कर, 15 साल से उसके बच्चे नहीं था, उसने बोले बाबा हमारे बच्चे ने इतने दुखी बहुत कुछ किया,
लेकिन मैंने कहा कथा सुना रोज रोज भागवत कल्प वृक्ष जो माधव हुई देगा उन्होंने रोज भागवत में फल ला कर चढ़ाया करती थी। अभी उसकी संतान हुई केवल भागवत कथा 15 साल बाद में बच्चे हुए उनके लिए जनकपुरी में हम कथा कर रहे थे कि माता जी की 10 साल से बच्चे नहीं था एक नहीं हजार हमने देखा हाँ जो दुखी को सुखी और जिनको निसंतान को संतान और उनको अपुत्र को पुत्र निर्धन को धन भक्तिमान अभक्तिमान को भक्ति इसलिए बोले अकाम सर्व काम वा कोई तमना वासना नहीं हो सब कुछ हो नहीं तो भगवान की भक्ति हो जो मांगो भागवत आपको वही दे देगा क्योंकि ये भागवत को बताया निगम कल्प धरूर गलित कल्प वृक्ष ये कथा नहीं सुन रहे वो लेकिन कल्प वृक्षों के नीचे हम बैठे लेकिन उन्होंने और एक बात को बता देते हैं बोले देखो भागवत से छोटे मोटे चीज मत मांगो इससे केवल प्रभु का प्रेम मांगो भक्ति मांगो अगर भक्ति धन मिल गया ना समझो तुम्हें सब धन मिल जाएगी सारे धन मिल जाएगी दुनिया की कोई चीज तुम्हारी बाकी नहीं रह जाएगी सब चीज मिल जाएगी। हाँ एक उदाहरण दिया देखो कोई एक व्यक्ति अंधा था उसने शंकर जी की पूजा की शंकर जी खुश हो गए बोले बेटा वर मांगो वो पहले सोच करके आया था शंकर जी से 3 वर मांगूंगा पहला वर मांगूंगा अंधा आंख मिल जाए दूसरे वर मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए तीसरी वर मांगूंगा मेरे घर में एक लाला की कुछ पैसा मिल जाए आंख मिल जाए पत्नी मिल जाए और कुछ पैसा पहले वो सोच करके आया था शंकर अगर बोलेंगे 3 चीज मांगूंगा शंकर जी बोले नहीं बेटा मैं 1 वर दे सकता हूँ 3 नहीं जो मांगना 1 वर से मांगो लेकिन वो बच्चा बड़ा चतुर था बोले 1 वर दोगे ना बोले हाँ बोले बताओ बोले मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी के पीठ के ऊपर बैठे हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो शंकर जी बोले भैया बड़ा चतुर निकला अभी राज महल ऊपर में हाथी के ऊपर कौन बैठा राजा महाराज फिर सोने के कटोरी में साधारण तो खाना नहीं खाएंगे वो राजा महाराज खाते हैं मतलब धन अपनी अब राजा राजा बन गया बोला बेटे को देखो बेटा का होगा जो शादी हो जाए बोले देखेगा कब जो आंख मिले शंकर जी बोले भैया ये तो बड़ा चतुर निकला बड़ा चालक निकला एक बार से उन्होंने सब कुछ उन्होंने मांग लिया इसका मतलब है ठाकुर जी से ऐसे एक बार मांग लो ना जो एक बार मांगो ठाकुर जी को सब मिल जाए यदि भगवान की प्रेम ठाकुर जी की भक्ति इसलिए जब भगवान हनुमान जी का आप लोग हनुमान जी का नाम सुने हो कौन कौन हनुमान का जानते हो सब जानते हो हनुमान जी से सीख लो है जब माता सीता को उद्धार करके लाए भगवान राम इतने प्रसन्न बोले हनुमान अगर तू नहीं होता ना ये माता सीता की उद्धार होना बड़ा कठिन था तेरी वजह से माता सीता को उद्धार हो पाई आज मैं इतने प्रसन्न जो मांगोगा आज मैं सो दो दूंगा हनुमान जी देखो क्या कहते हैं बोले बार बार बर मांगो बोले एक बार नहीं बोले बार बार बर मांगो हरसी देवो श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सतसंग बोले हे ठाकुर जी आपके चरण में हम बारंबार प्रार्थना करता हूँ बोले क्या है बोले कि आपके चरण में आहे तुम की निष्काम भक्ति दो और संतों की संगत केवल यही चीज दो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं इसलिए जब भगवान राम अब देखना रामायण देखे हो कौन कौन रामायण देखे हो देखना जब भगवान राम श्री हनुमान जी के सर पर हाथ रखते हैं अब देखना कैलाश में शंकर जी को दिखाया क्यों ये हनुमान कोई नहीं शंकर ही हनुमान बन कर गया इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देह तेजी नेह बस बानर भये हनुमान जब भोले बाबा ने देखा ये शंकर जी की शैली से मैं प्रभु को सेवा नहीं कर सकता हूँ इसलिए रुद्र देह तेजी उनने शंकर जी के शरीर को तेज करके नेह मतलब प्रेम में वशीभूत होकर बंदर भये हनुमान वो बंदर बन करके आए आप देखना जब श्री हनुमान को सर पर हाथ रख रहे हैं कैलाश में शंकर जी को दिखाया भगवान शंकर जी के सर पर हाथ रखे शंकर जी इतने प्रसन्न गदगद हो रहे आज प्रभु कृपा करके अपना प्रेम भक्ति हमें प्रदान ठाकुर जी हमें भक्ति प्रदान किया शंकर जी प्रेम में गदगद हो गए
कि अगर तुम्हारे को भक्ति धन मिल गई, समझो पृथ्वी का सारे धन मिल गई तुम्हें। भक्ति धन मतलब क्या? भक्ति धन मतलब क्या? भगवान तुम्हारे प्रेम में बसीभूत हो गए। बोले भगवान कौन है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है। अगर आप उनकी बेटा बन गए ना, अगर तुम बेटा बन गया विश्व ब्रह्मांड का मालिक का, जैसे रिलायंस कंपनी वाली, नहीं तो अंबानी, देखना उसकी घर में अगर कोई बेटा जन्म ले लिया, केवल उसको बेटा जन्म लेने का साथ साथ सारी संपत्ति का मालिक वही बन गया। उसी तरह जब हम ठाकुर की चरण की भक्ति मिल गई, ठाकुर जी के बेटे बन गए, जो विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक का संपत्ति हमें अपनी आम तुम्हारे हो जाए, सारे संपत्ति का मालिक तुम बन जाओ। अगर इस जगत का वस्तु मांगे प्रभु तो दे देंगे, बोले ले जा जल्दी दे ले। जैसे बच्चे होते ना, उसको खिलौना दिखा करके पिता माता भुला देते हैं, अरे रोली दिखा करके खिलौना, उसी तरह दुनिया चल मांगे के बोले लो भैया ले, हमें तो छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर भक्ति मांगोगे तो भगवान विचार करके देते, देते तो है लेकिन विचार करके, लेकिन यही संपत्ति से यहाँ तो सुखी रहेंगे ही, और उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है। ठाकुर के पास में चिरकाल के लिए उनकी संतान बन करके उनकी चरण की सेवा, जैसे हनुमान जी को मिले, तुलसीदास को, मीरा को मिली, गोपियों को मिली, ध्रुव प्रहलाद को मिली, ऐसे हमें भगवान के प्रेम मिल जाएगा। इसलिए कहती है भागवत नहीं, हम कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हैं, आप जो कुछ भागवत से मांगोगे, भागवत आपको साथ देने में सारी इच्छा को पूरी कर देगी। इसलिए बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बोले भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, ये पका हुआ फल है, ऐसे तो पका हुआ फल। बोले सुख मुखात अमृत, इतने में तोता ने उसमें चोंच मारी। इसलिए कहावत है, जिस फल में तोता अपना थोंट मार दिया ना, उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है। इसलिए भागवत कहता तो मीठा मीठा, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली ना, उसमें और मिठास आ गया। बोले क्यों? कल सुन रहे थे कि जो सुखदेव गोस्वामी के राधा रानी की पालता सूत है, राधा रानी की पालता सूत है, और कभी कभी राधा रानी इसको चुंबन करती थी, और राधा कृष्ण के निकुंज में निवास करने वाले भगवान के सारे लीलाओं को देखा। जब उनके मुंह से कथा निकली गई, वो तो मीठा मीठा ही मीठा मीठा होगी। इसलिए सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम, बोले पी बत, बोले क्या करो? बोले उसका खूब पियो। बोले आपने बताया फल, आप लोग बताओ फल को खाते है ना फल को पीते हो? बोलो क्या करते हो? फल को खाते है ना फल को पीते हो? खाते हैं, लेकिन ये कहते हैं पियो। बोले ये ऐसे के फल है ना, जिसमें गुठली मिली और जिसमें छिलका ही मिली, जिसे गुठली नहीं जिसका छिलका नहीं, इसलिए इसको पियो। देखो जब कोई चीज को पीते हैं, आप बताओ किधर से आप पीते हो? अब बोलो किधर से पीते हो? मुंह से। अभी जिस रस को पी रहे हैं किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किसे पी जाती? कानों से। देखो मुंह में पीने का कान में पीने का भी विशेषत्व है, जो चीज आप कान में पियोगे ये तुम्हारे हृदय में रहेगा, लेकिन जो चीज आप मुंह में पियोगे ना वो नीचे से निकलेगा। कोई चीज आप मुंह में पियो अंदर में रख ही नहीं सकते, वो नीचे निकलेगा, लेकिन कोई चीज अगर कान से पी तो वो कभी नहीं निकलेगा। इसलिए बोले भैया रस को मुंह से मत पिया करो, किधर से पिया करो? कान से पिया करो। बोले भैया पीते तो हुए लेकिन सब निकल जाते, क्यों? छेदी छेद है हमारे अंदर में, छेदी काम क्रोध लोभ मोह, छेदी छेद निकल जाती है। अब से एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर दो। जैसे कोई एक घड़ा हो, घड़ा में छेदी छेद है, अगर उसमें पानी भर तो क्या होगा? हाँ बताओ, अगर ऐसे क्या उपाय है, भले ही घड़ा में जितने छेद है रहने दो, लेकिन अगर उसमें कोई चीज डालोगे ना पानी, लेकिन एक बूंद भी नहीं निकलेगा, छेद छेद ही है लेकिन डालो ना एक बूंद नहीं निकलेगा। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा उपाय है? बोलो, पीछे जो माता है बैठी, बोलो। रेत और मिट्टी डाल दो, और कोई उपाय है? आप लोग बताओ। देखो देखो एक चीज को सुन लो, कितने अच्छी बात कहते हैं। अगर वो घड़ा को भले ही जितना छेद किए नहीं हो, अगर पानी में उसको डूबो करके रख लो, पानी में डूबो करके रख लो, फिर उसमें पानी डालोगे फिर पानी निकलेगा? क्यों?
वो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमारी अंदर में छेदी छेद है काम लोभ मोह, लेकिन अगर कोई कथा रूपी रस में डूबे रहोगे, तुम्हारी अंदर में जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो इसका प्रमाण देख लो, हम सबका अंदर में काम क्रोध लोभ है। जैसे हम कथा में बैठे आपको कोई काम सता रहा है ना, क्रोध सता रहा है ना, लोभ सता रहा है ना, मोह सता, कोई सता रहे? कोई नहीं सता रहे। क्यों? आप कथा रूपी रस में डूबे हुए हो, लेकिन केवल गेट से बाहर निकलो, निकलते ही आपका मन में तरह तरह का कामना, तरह तरह की वासना, तरह तरह की समस्या। इसलिए भागवत में बताया जो कथा है क्या है, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कथा सुनने से जितने दुख कष्ट तुम्हारे दूर हो जाएगा, सारे दुख कष्ट तुम्हारे दूर हो जाएगी। देखो हम सबके सब दुखी, कोई तन से, कोई मन से दुखी, परिवार से दुखी, पैसा से दुखी, बंधु से दुखी, काम से दुखी, दुखी दुखी। लेकिन अभी कोई दुख याद आ रहे है तुम्हें? कोई दुख याद नहीं आ रहे। बोले क्यों? ठाकुर जी की कथारस में बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, लेकिन गेट से बाहर निकलो, जितने दुख पहाड़ रूप में सर पर बैठेगा। घर में जाने पर ये होने वाले, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, लेकिन जब तक कथा में बैठे हो ना, कोई समस्या नहीं। बोले क्यों? कथा रस में डूबे हुए। इसलिए बोले मुंह रहो, बोले भैया इसमें डूबे ही रहो। बोले भैया कब तक पिएंगे रस को, कब तक पिएंगे? बोले जब तक बेहोश नहीं हो जाते। एक शराब भी कब तक शराब पीता है? शराब पी 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 कर जब तक बेहोश नहीं बोले तब तक पिएगा, लेकिन जब उठता है फिर क्या? बोले फिर पी, फिर पियो। मतलब है ये कथा रस को छोड़ना नहीं, इसमें नित्य निरंतर इसमें डूबे ही रहो, निकलना नहीं, इसमें डूबे ही रह जाओ। बोले भैया ये कथा रस को कौन पी सकते हैं? बोले केवल दो व्यक्ति पी सकते, सब नहीं पी सकते। बोले वो दो व्यक्ति का? बोले रसी, जो रस में डूबा हुआ भावू, जो कृष्ण भक्ति में भाव है जिसकी भाव, और जो रसी के है, केवल ये दो व्यक्ति रस को पी सकते हैं। शंकर जी कहते भैया इसको कौन पी सकते हैं? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर डूब सकते हैं कथा रस को, कोई पान कर सकते हैं। इसका मतलब आप जो कथा सुन रहे हैं ना, ठाकुर जी की आप लोगों पर में विशेष कृपा है, तभी यहाँ पर कथा में बैठे हो। एक बार जयकार लगा लो, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जयकार नहीं देते, कोई कोई तो है, कोई जय पहले बताया ना, जो जितने जोर से भागवत की जयकार देगा उसको उतना पाप जाएगा, उतना पुण्य उदय होगा, ठीक है ना? भगवान का तो जय है ही है, कहते जय देने पर जय होगा। जोर से बोलो, इतने जोर से बोलो, छत जैसे उड़ जाए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। अभी लग रहा है अभी कथा हो रही है। देखो अभी ये कलयुग आया है, कलयुग में ये सौनकादि ऋषि लोग बड़ी दिनों में वो सबके सब तपस्या कर रहे थे,
अब ये कलयुग आया तो इन लोगों ने ब्रह्मा के पास में गए, बोले ब्रह्मा जी आप बताओ अभी कलयुग आ गया, अभी ये कलयुग से हम बच्चे कैसे? बोले एक काम करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान। बोले कहां पर गिरा? बोले ये गिरा नैमिषारण्य में। और वहीं पर नैमिषारण्य में कोई गए हो? कौन कौन नैमिषारण्य में गए? एक दो और कोई नहीं गए? अब बताओ कौन जाना चाहते हो? अब सब काम ले जाए, कोई जाना भी नहीं चाह रहे, कोई हाथ नहीं उठाए डर से, तने बाबा कहां ले जाएंगे? इसलिए नैमिषारण्य मतलब है जहां पर एक निमिष समय भी बर्बाद नहीं जाता, बड़ी सुंदर गंगा वहां पर बह रही है, बड़ा मनोरम स्थान है जहां पर ये सौनक आदि लोग बैठ करके तपस्या यज्ञ कर रहे थे, जहां पर श्री सुत गोस्वामी सौनक ऋषियों को ये भागवत कथा सुनाए, बहुत प्यारा स्थान है, बड़ी सुंदर स्थान। और ब्रह्मा जी चक्र फेंके, वो चक्र एकदम पाताल में चली गई, आप देखो तो वहां से हर समय पानी वहां निकलती है, और वो पानी में स्नान करने का बड़ा पुण्य, बड़ा महत्व पानी में है, बड़ा सुंदर स्थान है, जगह जगह पर देखोगे, क्योंकि सौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी कथा सुनाए थे, लोग वहीं पर जाते हैं कथा सुनने के लिए, क्यों? वहां पर कथा सुनने का बड़ा महत्व है, अगर एक बार होगा ना हम सत्य सब वहीं पर चलेंगे, ठीक है, और वहीं पर कथा सुनेंगे बैठी करके। इसलिए वहीं पर उन्होंने जब यज्ञ कर रहे थे, श्री सुत गोस्वामी आए, बोले ये सुत कौन है? बोले एक है लोमर सन सुत और एक उग्र सभा सुत, ये दो सुत है। बोले एक समय लोमर सन सुत, एक समय वो कथा सुना रहे थे, जब कथा सुना रहे थे इतने में श्री बलदेव प्रभु आए। बलदेव प्रभु कौन है? ये मूल शंकर सन, सारे गुरु तत्व तो यही से आती है, सारे गुरु परंपरा इसी से आते हैं। जब बलदेव प्रभु वहां पर आए, लेकिन वो पुराण सुना रहे थे ऋषियों को, उन्होंने बोले भैया आए अपने आप बैठ जाए, मैं कथा सुना रहा हूँ भागवत, अभी मैं कथा सुना रहा हूँ पुराण की कथा, वो आकर के बैठ ही जाएंगे। इतने में श्री बलदेव प्रभु को बड़ा क्रोध आया, बोले ये तो कथा तो कर रहे हैं लेकिन किसी संतों की अनुगत्य से उन्होंने कथा करना नहीं सीखा। शास्त्र कहता है जब कोई ऊंचे संत आ जाए, कोई अच्छे भक्त आ जाए, अगर आप कथा कर रहे हो कथा को बंद कर दो, कथा को एक बार बंद करो, पहले संतों का आदर करो। क्यों? भगवान कहाँ रहते हैं? संतों के हृदय में रहते हैं। इसलिए हम आगे जा करके सुनेंगे, एक समय श्री राजा पूजा कर रहे थे, इंद्रदुम्न राजा पूजा कर रहे थे शालग्राम की, इतने में अगस्त ऋषि आ गए। जब आ गए वो राजा ना, वो जैसे को तैसे पूजा ही करते, बोले आए बैठ जाएगा अपने आप। इतने में अगस्त ऋषि को क्रोध आया, बोले हाँ तू तो पूजा कर रहे हो, लगता है कोई साधु की परंपरा से तुमने कथा करना नहीं सीखा, तुम्हें इतने पता नहीं जब संत आते हैं सबसे पहले संतों की आदर हो, हैं? क्योंकि भगवान भी जिन संतों को, ठाकुर जी भी जिन संतों की पूजा करते हैं। इतने में श्री बलदेव प्रभु ने उठाया एक घास, और घास उठा कर उन्होंने उनकी गला को काट दिया, वहां पर हाहाकार मच गया। इतने वहां पर ऋषि लोग थे, बोले प्रभु हम कथा किससे सुनेंगे? बोले कोई चिंता मत करो, उनका एक बेटा था, एकदम 5 साल का बेटा था, बलदेव प्रभु तो साधारण थे नहीं, उनके सर पर हाथ रखते ही जितने भेद पुराण सबके सब उसके हृदय में स्फूर्ति बलदेव प्रभु का दिया, और उनको व्यास गति पर बैठा दिया, उन्होंने धड़ाधड़ सारे पुराण को उन्होंने सुनाने लगते। इसलिए इनका नाम उग्र सर्वासुत है। इन्होंने जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, ये सबसे पीछे बैठे थे, जहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, पीछे तो बैठे हुए थे सबसे, लेकिन पूरे के पूरी जो कथा है ना उन्होंने ही हृदय में धारण किया सारे शास्त्र को। इसलिए सौनक आदि ऋषि ने कहा हे सुत गोस्वामी, आप अपना गुरु जी की कृपा से सारे वेद पुराण उपनिषद सब गुरु जी की कृपा से आपने प्राप्त किया। देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ इसका मतलब कहते हैं, अगर कोई सोचे अरे हमने पीएचडी किया संस्कृत में, हम आचार्य किया,
हम शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं, अपने आप पढ़कर समझ लेंगे, साधुओं के पास में जाने का जरूरत क्या? बोले नहीं, जैसे समुद्र मंथन से बीज निकला और वहां से अमृत निकला, अगर अपने आप पढ़ोगे ना वो बीज निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगा, वहां से केवल बीज निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगी। क्यों? शास्त्र कहता है कि जो भगवत भक्ति विद्या ये परंपरागत विद्या है। जैसे देखना किसी जगत में आप कोई पढ़ाई इंजीनियरिंग डॉक्टर कर रहे हो, आपके पास में पुस्तक है, क्या पुस्तक अपने आप पढ़ लेते हो? ना कोई एक्सपर्ट कोई टीचर के पास में जाते हो, ना अपने आप पढ़ लेते हो। बोला अपने आप पढ़ लेते हो ना, कोई टीचर के पास में जाते हो? पुस्तक तो तुम्हारे पास में पढ़ लो ना पुस्तक को। बोले नहीं, टीचर की जरूरत। जब ये जड़ विद्या कोई टीचर की जरूरत है, और ये तो भक्ति विद्या है, तो प्रेम विद्या है, इसलिए गुरुमुखी विद्या। इसलिए कहते देखो देखो ध्यान, हमारे गुरु जी समझाया करते थे जबकि एक वार्ड की कितना अर्थ होता है। मैंने पूछा आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, या इसका अर्थ होता है मेरे को पता नहीं आप कहाँ गए थे, लेकिन एक ही वार्ड आप कहाँ गए थे, एक ही वार्ड, इसका मतलब क्या हो गया? तुम जहाँ गए थे ना मेरे को पता, तुम कहाँ गए। अगर हमने कहाँ गए थे मतलब वार्ड एक, लेकिन टोन बदल गया ना, मतलब आप जहाँ गए थे सही जगह पर नहीं, गलत जगह पर गए थे, लेकिन वार एक ही है ना, वार तो एक ही है, लेकिन देखो इसका तीन अर्थ बदल गया, पता नहीं इसमें कितना अर्थ हो जाएगा। जैसे जैसे टोन बदलेगा ना, उसी तरह शास्त्र में केवल वार है, उसमें टोन नहीं, उसमें टोन नहीं। इसलिए एक ही गीता एक भागवत देखना, उसमें कितने व्याख्या, भैया इतना व्याख्या कहां से आ गया? इसलिए जिसकी भावना रही जैसी और हरि मूरत देखी तेजी तेजी। लेकिन वास्तव रूप में ये शास्त्र का अर्थ किसको हृदय में आता है? एक शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के हृदय को कौन जानेगा? एक संत ही जान सकते हैं, सब नहीं जान सकते हैं। इसलिए बोले जो शास्त्र सुतो, यहाँ पर सोनकादि ऋषि लोग कह रहे हैं, हे सुतो गोस्वामी, आपकी हृदय में जो शास्त्र का सार आपको मिला कैसे? गुरु परंपरा से, ये गुरु जी से ही ये ज्ञान मिली है, इसलिए आप गुरु जी की कृपा से सब शास्त्र पढ़े हो, आप कृपा करके हमें बताओ। फिर उन्होंने उनको छह प्रश्न करते हैं, और जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत देखो, अभी वो छह प्रश्न किया है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे कल सुनाना, ठीक है? कम से कम छह प्रश्न है, कम से कम आप एक प्रश्न याद कर लेना, छह में कोई कोई एक एक प्रश्न बोलना, ठीक है ना? अच्छे तरह से सुनो और मेरे को कल बोलना ये छह प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? याद रहेगी कि नहीं? याद रहेगी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो, हम जो कुछ संसार में कहते हैं सब शांति के लिए है ना, सब शांति सुख के लिए कहते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल रूप में एक चीज देख लेना, सामने एक समस्या, हम सोचते हैं भैया किसी तरह से ये एक समस्या हल हो जाएगा ना, हम शांति चैन मिलेगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, वो एक समस्या तो दूर नहीं हुई, वहां दो समस्या सामने थी। फिर सोचते हैं भैया किसी तरह से ये दो समस्या हल हो जाए, चैन मिलेगा, देखना वो दो समस्या तो गई नहीं, सामने तीन ही समस्या है। फिर सोचते भैया ये समस्या किस तरह से हल हो जाए, किस तरह से, देखना तीन समस्या गई नहीं, चार समस्या सामने खड़ी। देखना जैसे हाथी दल दल में जैसे फंस जाते हैं, हम भी धीरे 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 संसार में दल दल में फंस जाते हैं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हैं, घर में बहुत संपत्ति, बहुत लिखे पढ़ा किया, सब कुछ, लेकिन घर में शांति सुख नहीं, उस चीज का कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर तो सूखे रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जगत में सबसे अनमोल वस्तु है शांति, है कि नहीं? अनमोल वस्तु क्या? शांति और सुख। इसलिए इनका यही प्रश्न है, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी कैसे? ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। दूसरी प्रश्न है, भगवान को पाने का कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है? क्योंकि एक एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न लगा हुआ है। बोले भैया शांति कैसे मिलेगी? बोले जब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते हो, भले ही लाख करोड़ उपाय कर लो,
यहाँ शांति नहीं मिलेगी, तभी शांति मिलेगी जब भगवत प्राप्ति करोगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावे। हरि से विमुख होकर के हमें क्या, रावण जैसे। लेकिन हमारा एक गलती धारणा है, अगर ज्यादा पैसा अगर हम कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे, हैं? ज्यादा अगर सोना चांदी मिल जाए। अब लोग रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम सुने हो? सब जानते हो, उसको पास में सोने की लंका थी, सोने की लंका। हमारे पास में कितना सोना होगा? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इतना होगा ना, है कि नहीं? नहीं, इतना नहीं, सही बोल रहे हो। इसलिए उस रावण की सब सोना ही सोना, उसका डाइनिंग रूम सुना, उसका बेडरूम सुना, उसका टॉयलेट सुना, किचन सब सोना ही सोना, पूरा राज प्रसाद सोना ही सोना। हाँ, कितने सोने। अब हनुमान का नाम जानते होंगे, जब हनुमान को मेघनाथ पकड़ कर ले गया, देखे होंगे, उसने देखा रावण को पैर के नीचे काल पैर में दबा करके बैठा हुआ। और जिस शनि मंगल सोम को पूजा करते हैं ना, चारी तरफ में ग्रह बांध कर रावण। अग्नि को देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था, उसको पिताजी को देखा, हनुमान का पिता कौन है? पवन, उसको घर में झाड़ू लगा रहा था। ब्रह्मा जी को देखा, उसको वेद स्तुति कर रहा था। बोले भगवान, इतना वैभव उसको पास में, और पत्नी मंदोदरी। हम सोचते हैं कि अच्छी लड़की से शादी हो जाए, सुख मिल जाएगी। वो पत्नी का नाम मंदोदरी, मंदोदरी मतलब जानते हो? मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी। बेटी किसकी थी? विश्वकर्मा की, विश्वकर्मा उसकी बेटी। मतलब उसने जगत का सारे सुंदरता सुंदरता देकर के बेटी को बना की। बेटा कौन था? मेघनाथ। देखे रामायण, देखे ना इंद्र को जिसने परास्त किया, इतने लेकिन बचे मन में कोई चैन नहीं। इतने सुंदरी सुंदरी स्त्री कभी सीता को उठा करके ले गया, तब भी मन में बेचैन था। लेकिन वहां एक व्यक्ति केवल चैन से रह रहा था, अब सब बेचैन से रह रहे थे। बता सकते एक व्यक्ति कौन चैन से रह रहा था? वाह, सब पंडित बैठे। सचमुच से केवल एक जो विभीषण था ना, क्योंकि प्रभु की भक्ति करता था, प्रभु का भजन करता था, इसलिए वो चैन से केवल रह रहा था, और सबके सब वहां बेचे। इसकी मन में शांति सुख नहीं। इसलिए हनुमान जी जब लंका में आग लगाया ना, सारे घर जला दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर नहीं जलाया। किसका घर नहीं जलाया? विभीषण का। बोले क्यों? बोले राम का शरण में गया था ना, इसलिए लंका में सब जल कर राग हो गए सब, लेकिन केवल एक विभीषण बच गया, और कोई बचे नहीं। यहाँ शिक्षा देते हैं, भले ही पृथ्वी के जितने ऐश्वर्य तुम प्राप्त कर लो, अगर प्रभु की शरण में नहीं जाओगे तो ये दुनिया में कोई वस्तु नहीं तुम्हें शांति सुख दे सकता है। केवल प्रभु की प्रेम ही तुम्हें शांति प्रदान करेगा, हैं? इसलिए इसमें दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या? याद रहेगा कि नहीं? दो दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होने पर भी तीन धाम, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, हमें तीनों धाम की कृष्ण की कथा सुनाओ, तीन धाम में प्रभु लीला की। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। इसलिए भगवान युग युग में कभी राम बन कर गया, कभी नरसिंह भगवान, कभी वामन बन करके, ये प्रभु की सारे अवतार की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न, पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत कथा सुनाओ। जस कैसे कृष्ण की राग उठा लिया, एक कृष्ण कैसे 70 करोड़ गोपियों का रास रचा रहे थे, 6 दिन में पुतना वर, 1 महीना में तृणावर्त, 3 महीना में सकटासुर, ये सब कथा हमें सुनाओ। और छठवा प्रश्न, जब भगवान ये दुनिया छोड़ करके चले गए, धर्म कलयुग में कहाँ पर आश्रय लिया है? जब 6 प्रश्न की सुत गोस्वामी सुनकर बड़े खुश हुए। बोले क्यों? बोले इतने प्रश्न हैं, सब भगवत संबंधी प्रश्न, अभी केवल हमें भगवत चर्चा हरि चर्चा में असली आनंद है। बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रश्न की उत्तर दिया। उत्तर देने से पहले उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काग लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद ये बताए।
इसलिए पहले गुरु जी की कृपा हो तब ठाकुर जी की कृपा होती है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने श्री गुरु जी की चरण की वंदना करते हैं, गुरु जी से प्रार्थना करते, गुरु जी मेरे हृदय में प्रकट होकर के ये सारे तत्व ज्ञान को स्पष्ट कराओ, जैसे इनके प्रश्न कभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। इसलिए उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, बोले मेरे गुरु जी कौन है, बोले साधारण व्यक्ति नहीं, मेरे गुरु जी श्री सुखदेव गोस्वामी। एक बच्चा माँ की पेट में कितना दिन तक रहता है, 9 महीना, लेकिन मेरे जो गुरु जी है ना उन्होंने 16 साल तक माँ के पेट में रहे, निकलना नहीं चाह रहे थे। इतने में व्यास ने मैंने कहा बेटा तुम क्यों मैया को कष्ट दे, जल्दी निकल करके आ जा, गर्भ से आवाज आ रही है। बोले नहीं मैं निकलना नहीं चाहता। बोले क्यों, बोली जगत माया की जगत है, इसलिए हर बच्चा मातृ गर्भ में भगवान से कसम खाता है ठाकुर जी ये नरक से निकाल दो, कहते माँ की पेट में आना नरक में आना बराबर है, क्यों बच्चे सर नीचा प्यार ऊंचा रहता है, अंदर में क्या टाटी पेशाब खून पीकर और कुछ नहीं, ऊपर में केवल एक छोटा पर्दा ढका हुआ है और उसका अंदर में मल मूत्र है, हैं? और उसमें कुछ है ही नहीं, पेट में इतनी गर्मी है ना, आज अगर रसगुल्ला खाओ ना कल बिष्टा बन करके निकल आती है, ऐसे पेट में इतनी गर्मी है। और माताओं को पेट में बच्चे रहते समय चटपटी अच्छी लगती है, मिर्च मसाला नमकीन, और बच्चा बहुत कोमल बच्चा होता है, शरीर में उभी कष्ट देता है, वो भगवान को स्मरण करता है, बोले प्रभु मैंने कौन सा पाप कर्म करके माँ के पेट में आ गया, मेरे को जल्दी निकालो प्रभु। देखो ध्यान देकर सुनो क्या कहते हैं, यहाँ पर अच्छी बात समझाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। बोले बेटा बताओ अभी क्या करोगे, बोले प्रभु मैंने जिन लोगों के लिए किया था, भाई बंधु पुत्र परिवार के लिए किया था, कितने कितने पाप कर्म करके पैसा रोजगार किया, वो पत्नी कहाँ, वो पति कहाँ, वो बच्चे कहाँ, कौन कहाँ है, ये कर्म का फल तो अकेला मेरे को भोगना पड़ रहा है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, बोले अभी बताओ क्या करोगे, अगर यहाँ से निकाल दूंगा। बोले प्रभु मैं समझ गया हूँ ये संसार मतलब का संसार है, अगर एक बार अगर हमें जन्म दे दिया ना फिर तो उठते बैठते सोते में तेरे नाम जप करूंगा, तेरे में नाम जप करूंगा, भजन करूंगा। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण बोलो कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कहते हम जितने जीव मैया के पेट में भगवान से कसम खाए, बोले प्रभु एक बार यहाँ से निकाल दो गर्भ से, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। भगवान ने कहा सच कह रहे हो ना, दुख में पड़कर कह रहे हो, बोले प्रभु मैं सच कह रहा हूँ, बोले भूलोगे नहीं, बोले कभी तेरे को मैं नहीं भूलूंगा। भगवान बोले अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब पहले एक बाल पक जाए ना, जब एक बाल पक जाता है बोले ये पहला वार्निंग। अब देखना जब हमारी एक बाल पक जाती है उसको हम उखाड़ देते हैं, बोले इतने जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हम कुछ नहीं हुआ, अगर दूसरे बाल पक गया फिर उसको उखाड़ देंगे, तीसरा बाल पक गया उखाड़ देंगे, लेकिन जब खिचड़ी बन जाती है फिर मेहंदी लगा कर कलर कर देंगे, थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी हमारा कुछ नहीं हुआ इतना जल्दी बूढ़ा बना रहे। क्या दूसरा वार्निंग भी दूंगा, बोले क्या, बोले आंखों में देखना कम हो जाएगा फिर बढ़िया चश्मा लगा देगा। बोले तीसरा वार्निंग भी दूंगा, बोले क्या दोगे, एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर डेंटिस्ट को पास में जाकर फिर 32 दांत लगा लेते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं। भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग की दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले 2 प्यार से फिर 3 प्यार हो जाएगा, बोले डंडा लेकर फिर चलना है, फिर कमर तोड़ दूंगा। भगवान कहते ये मेरी एक एक वार्निंग है, इसलिए भगवान कहते हैं भैया ये सब चीज आने से पहले प्रभु का भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, हाँ समय रहते प्रभु की भजन भक्ति कर लो, फिर अगर भगवान कहते अगर तभी भजन नहीं करोगे ना फिर तो फिफ्थ वार्निंग नहीं फिर तो राम नाम सत्य ही है। इसलिए ये एक एक वार्निंग भगवान जी को एक एक वार्निंग ठाकुर जी देते हैं, इसलिए समय रहते क्या करो, भगवान की हमें भक्ति
कर लेनी चाहिए। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होकर के उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। तब उन्होंने सबसे पहले गुरु जी के प्रणाम किया, प्रणाम करके उन्होंने प्रश्न की उत्तर दिया। आज हम दूसरी प्रश्न को सुनेंगे। कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या, इसको सुनेंगे, फिर इसको बाद में कथा को विस्तार करेंगे, ठीक है। बोले कलयुग में भगवान मिलेंगे कैसे, ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए। उनको पता है कलयुग का जीव ज्यादा भजन भक्ति कर नहीं सकता है, इसलिए सबसे सरल उपाय बताए। क्या बताए, बोले कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना करने का जरूरत नहीं, सुमिरी सुमिरी नर उतरी बारा, केवल ठाकुर जी के नाम जप करते जाओ,